नमस्कार दोस्तों, हमारे बीच आज जवाहर नवोदय विद्यालय नालंदा के पूर्ववर्ती छात्र डॉक्टर अविनाश कुमार, जो कि एमबीबीएस भी हैं और 7-8 सालों का इनका टीचिंग एक्सपीरियंस भी है, जो कि बायोलॉजी के छात्रों को पढ़ाते हैं जो कि 11th 12th में है और नीट के की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको पढ़ाते हैं। तो हमारे सामने एक बेहतर मौका है, आज हम ये समझेंगे कि मेडिकल सेक्टर में जो लोग जाना चाहते हैं, जो बच्चे 8 में है, 9 में है, 10 में है, 11 में है, 12 में है, या उससे भी नीचे है, या कोई गार्जियन है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो अगर चाहते हैं कि मेडिकल सेक्टर में जाएं, तो मेडिकल सेक्टर के बारे में उन्हें बहुत कुछ कुछ जानकारी नहीं है। तो आज के इस वीडियो में और अविनाश भैया के माध्यम से, जो कि एमबीबीएस भी है तो इनका एक्सपीरियंस भी है उस सेक्टर में, और फिर ये जो है पढ़ाते भी हैं बच्चों को, रेगुलर छात्रों के संपर्क में है और नए प्रकार के क्वेश्चन पैटर्न को भी देखते रहते हैं, तो नए पैटर्न के बारे में भी तमाम जानकारी इनके मार्फत ही हमें मिलेगी। तो हम ज्यादा ना समय बर्बाद करते हुए अविनाश भैया से ही सबसे पहला सवाल करना चाहेंगे, एकदम बेसिक सा सवाल, और एकदम आसान शब्दों में उम्मीद करेंगे कि भैया समझाएं कि अगर कोई 7-8 का बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो क्या इलिजिबिलिटी है, वो कैसे पढ़े जो कि आगे वो डॉक्टर बन सकता है, तो एक बेसिक सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आशीष, और इस चैनल पर जुड़ने के लिए और इस चैनल पर हमें लाने के लिए। रही बात जो आपका क्वेश्चन है कि 7th 8th से अगर बच्चा कोई मेडिकल के बारे में सोच रहा है तो वो उसे किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। हमें नहीं लगता है कि 7th 8th में बहुत ज्यादा कुछ अलग करने की जरूरत है। 7th 8th में जो आपका सब्जेक्ट है वो अच्छे से करें, और 7th 8th ही नहीं, इवन अगर आप 7th 8th से सोच भी रहे हैं मेडिकल करने के लिए, तो आपको 7th 8th 9th एंड 10th 10th तक जो भी चीजें आपकी है, जो साइंस है आपका, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी कंबाइंड फॉर्म में देखने को मिलता है आपको, और साथ ही साथ जो मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है, वो चीजें भी आपको अच्छे से करनी है। कुछ लोगों का आपने देखा होगा कि वो जिनका मैथ्स थोड़ा सा वीक होता है, वो आप बोलेंगे उन्हें तो बोलेगा सर मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है और मैं बायो लेके मैं मेडिकल करना चाहता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। आपको 10th तक अच्छे से मैथ्स आना चाहिए, 10th तक अच्छे से आना चाहिए, और मेन तौर पे वो मैथमेटिक्स जो आपको बेसिक कैलकुलेशन सिखाता है। जैसे आप आगे जाएंगे 9th 10th में तो आपको ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगा, जिसमें साइन स्क्वायर थीटा वगैरह जो भी आप एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर बेसिक जो पॉलिनोमियल्स है, अलजबरा वाले जो पोर्शन होते हैं जिसमें आपको कैलकुलेटिव पार्ट जो होता है, क्योंकि फिजिक्स में जैसे ही आप 11th 12th में जाएंगे, आपको फिजिक्स में वो पोर्शन, फिजिक्स में बेसिकली आपको न्यूमेरिकल दिए जाएंगे, और वो न्यूमेरिकल के जब आप फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लगा के जब सोल्व करेंगे, तो उसके बाद एक आपका इक्वेशन आएगा। उस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए बेसिक मैथमेटिक्स का होना बहुत जरूरी है। तो आपका 10th तक मैथ्स अच्छा होना चाहिए। अगर एवरेज एवरेज तो होना ही चाहिए, और एवरेज से ऊपर है तो अच्छी बात है। अगर एवरेज से नीचे है मैथमेटिक्स आपका, तो आप थोड़े मेहनत करें और मैथ्स को अच्छा बनाएं, तब जाके मेडिकल में जाएं। और बिना मैथ्स का, आप 9th 10th का बिना मैथ्स किए हुए आप मेडिकल में जा रहे हैं, तो आपको काफी दिक्कत हो सकती है। तो बेसिक मैथमेटिक्स, जिसमें बेसिक अलजबरा और कैलकुलस वाला जो पार्ट है, वो थोड़े बहुत आपको आने चाहिए। यहाँ पर अब फिर हम एक सवाल और आपको ऐड करते जाएंगे, क्योंकि जो बच्चे 10th को पास कर गए, 10th क्वालिफाई कर गए, अब वो 11 में जा रहे हैं, तो उन्हें कौन सा सब्जेक्ट चुनना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ले पर्सन के में लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं, जिनको कोई जानकारी नहीं है, तो उन्हें कौन सा सब्जेक्ट चुनना चाहिए डॉक्टर बनने के लिए, मेडिकल में जाने के लिए, और फिर उन्हें कैसे तैयारी करनी चाहिए, बहुत बढ़िया उसके बारे में क्वेश्चन। बताइए। तैयारी पर तो हम डिटेल में बात करेंगे, सब्जेक्ट कौन सा चुनना चाहिए? आपको अगर आप मेडिकल में जाना चाह रहे हैं, तो आपको 3 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए इंटर के लिए, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो होने चाहिए। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका मस्ट है। अगर मैथ्स एडिशनल में है तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी ठीक है। मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है आपका, वो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, ये 3 सब्जेक्ट आपको होने ही चाहिए, और तभी आप मेडिकल की एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। अच्छा, आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एक छात्र से मेरी मुलाकात हुई, और वो छात्र का सवाल था कि आज वो खुद एडमिशन करवा के जेएलवी जमुई से आ रहा था, तो पूछा कि भैया जो हम एडमिशन करवा रहे हैं तो हम मैथ भी ले रहे हैं, तो क्या उसको, और उसको मेडिकल सेक्टर में जाना है, तो क्या उसको मैथ लेने से मेडिकल सेक्टर में जाने से कोई फायदा हो सकता है प्रैक्टिकली, या कोई नुकसान हो सकता है प्रैक्टिकली? प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं है। अगर आप शुरू से डायरेक्टेड है कि नहीं हमें मेडिकल ही करना है, तो उस केस में आपको बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि मेडिकल में कहीं भी डायरेक्ट मैथ्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हाँ, कुछ अलग चीजें हैं जहाँ पे थोड़े बहुत मैथ्स का आपको कुछ डिपार्टमेंट में आप हो सकते हैं, बट मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैथ्स लेना जरूरी नहीं है। वो मैथ्स इसलिए ले रहा होगा क्योंकि कुछ लोगों ने उन्हें बोला होगा कि भाई बायो से जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रीम नहीं है, आने वाले दिनों में आपको हो सकता है ज्यादा चीजें ना मिले, तो मैथ्स अगर आप रखेंगे तो आपको सारा ऑप्शन खुला रहेगा। तो
बट मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैथ्स लेना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि 11th 12th के मैथ्स इतने आसान भी नहीं है कि आप उसको बायो के साथ साथ आप पूरे तरीके से मैथ्स भी कर लें और बायो को भी कंप्लीट करें। तो दोनों में से आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग कोई एक ही रखना चाहिए और आप डिसाइड करें कि आपको करना क्या है। अगर IIT साइड में जाना है तो आप मैथ्स लें, और अगर मेडिकल के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड है तो आपको बिल्कुल निसंदेह आपको बायो ही लेना चाहिए। दोनों सब्जेक्ट लेना मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है, वो डिफिकल्टी में आप कर भी नहीं पाएंगे और प्रैक्टिकल बेनिफिट भी उसका कुछ नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो आपको करना आप डिसाइड करिए, उसके अकॉर्डिंग मैथ्स में जाना है तो मैथ्स में जाइए, बायो में जाना है तो बायो में जाइए। अच्छा, यहाँ पर एक और सवाल, चूंकि ये टीचिंग एक्सपीरियंस आपका है इसलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। वो सवाल ये है कि बोर्ड कौन सा बेहतर रहेगा 11th 12th में, अगर कोई मेडिकल में जाना चाहता है उसे बिहार बोर्ड चुनना चाहिए, बीएससी चुनना चाहिए, सीबीएसई में रहना चाहिए? ये आशीष बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन आपने पूछा है, बहुत बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, और इसमें मोस्टली स्टूडेंट का कंफ्यूजन होता है, मतलब हर किसी को कंफ्यूजन है, हर दूसरे स्टूडेंट का कंफ्यूजन है। देखिए हम प्रैक्टिकल बात करेंगे, हमें बोर्ड से ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि देखिए बोर्ड जो आपका वो सीबीएसई है, मोस्टली सीबीएसई बोर्ड से होता है या फिर कुछ स्टेट बोर्ड से आ जाते हैं आने वाले समय में, आईसीएसई बहुत कम होते हैं, तो आईसीएसई है तो ठीक है, वो अपना उनका बोर्ड है, बट हम बात करते हैं बिहार बोर्ड और स्टेट बोर्ड जो हमारा है उसका, और सीबीएसई जो बोर्ड है उसका डिटेल में हम बात करेंगे। देखिए बोर्ड बोर्ड का अगर कम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, मतलब बोर्ड आपका कोई भी हो आपको ना तो कोई प्रेफरेंस मिलेगा और ना ही आपको कुछ निगेटिविटी आपको सो होगा बोर्ड की तरफ से। हाँ, लेकिन बात यह है कि कौन सा बोर्ड ऑप्ट करें, जैसे ही 10th हम कंप्लीट करते हैं तो कौन सा बोर्ड ऑप्ट करें, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आशीष जो फाउंडेशन बैच के होते हैं 10th के बाद वो 2 साल के लिए वो प्रिपरेशन करते हैं, 11th एंड 12th के साथ वो मेडिकल की प्रिपरेशन करते हैं, तो जब उनका प्रिपरेशन 2 साल कंप्लीट होता है किसी भी कोचिंग से या फिर जैसे भी उन्होंने किया हो, तो जैसे उनका प्रिपरेशन कंप्लीट होता है उसी समय, जब जैसे अभी कोई 10th का बच्चा पास कर रखा है तो 1 साल मतलब अभी 2023 में अगले साल वो 11th का बोर्ड देगा, 2024 में वो 12th का बोर्ड देगा, और 2024 में ही उसका नीट का भी एग्जाम होगा। तो 2024 में जो नीट का एग्जाम होगा वो अगर ट्रेंड को देखा जाए तो वो मई के फर्स्ट वीक में हो जाएगा, वो मई के फर्स्ट संडे जैसे ही आएगा, वो 4-5 मई के अराउंड वो लगभग फर्स्ट वीक में हो जाएगा आपका, जो भी संडे आएगा अगर नॉर्मल सिचुएशन रही थी, कोविड में थोड़े बहुत आगे पीछे हुए एग्जाम पे डेट, बट इन जनरल आप मान के चल सकते हैं कि जो एग्जाम होंगे वो हर हाल में मई के फर्स्ट वीक तक हो जाने चाहिए, और वो होगा। ठीक है, तो दिक्कत वहां पे ये आती है कि अगर आप 2 बोर्ड है आपके पास, आपने अगर बिहार बोर्ड ऑप्ट किया तो उसमें क्या दिक्कत है, क्या चीजें हैं, और सीबीएसई में क्या दिक्कत है। तो बिहार बोर्ड अगर कोई स्टूडेंट बिहार बोर्ड से करता है तो बिहार बोर्ड का जो एग्जाम होता है वो 7 दिनों का होता है, 7 दिन में मतलब मंडे से आपका एग्जाम शुरू हुआ है तो सैटरडे तक जाते जाते सारे एग्जाम खत्म हो जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स जो भी आपकी चीजें सारे चीजें खत्म हो जाएंगे। तो वो जो पीक टाइम होता है, वो जो आपका मार्च का जो पीक टाइम होता है, मार्च अप्रैल का, जिसमें आप बोर्ड दे रहे होते हैं, तो बोर्ड में आपका बिहार बोर्ड अगर आप देंगे तो बिहार बोर्ड में आपको मुश्किल से 6 दिन का वेस्टेज है, बोर्ड का अगर टाइम आप देखें तो 6 दिन और 2-4 दिन और 10 दिन का आपका ओवरऑल टाइम जा रहा है। लेकिन वही अगर आप सीबीएसई बोर्ड में है तो आपका 1 महीना बोर्ड चलता है, 1 महीना पक्का चलेगा बोर्ड वो, और 1 महीने बोर्ड चलेंगे, और हो सकता है कि आपको प्रैक्टिकल के लिए भी एपीयर होना पड़े अच्छे से, उनमें से 7-8 दिन 10 दिन और जाएगा। तो ये जो आखिरी का समय होता है, जैसे मई में एग्जाम है और अप्रैल में आपका बोर्ड चल रहा है, तो बिहार बोर्ड से अगर आप हैं तो बहुत आराम से 7 दिन में आप एग्जाम दे के और अपना मेन रिवीजन जो लास्ट का 1 मंथ रिवीजन होता है, लास्ट मिनट रिवीजन, वो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं बिहार बोर्ड में। लेकिन सीबीएसई वालों, अगर सीबीएसई से आप बोर्ड कर रहे हैं तो उनमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपका 1 महीने से लेकर 40-45 दिन तक बोर्ड का काम होगा, और वो ऐसा समय होता है जहां पे स्टूडेंट को पूरा का पूरा 11th एंड 12th को रिवाइज करना होता है, क्योंकि मई के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम है। तो सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए आखिरी का जो समय होता है वो बोर्ड में उलझ के रह जाते हैं, और बहुत बार ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है कि सीबीएसई में एडमिशन तो ले लिए हैं लेकिन बोर्ड में इतना उलझ गए कि उनका लास्ट मिनट रिवीजन ही नहीं हो पाया, लास्ट डे जो रिवीजन होना चाहिए 30 डेज 15 डेज का वो नहीं हो पाया, तो वो बहुत दिक्कत करता है। तो पर्सनल रिकमेंडेशन मेरा ये रहेगा कि स्टेट बोर्ड से आप बिल्कुल ले लें एडमिशन, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद एक स्टेट बोर्ड से था, नवोदय विद्यालय से जब मैं निकला था तो बाद में स्टेट बोर्ड से मैं इसीलिए ही लिया था कि ताकि हमें नीट का जब एग्जाम हो तो उस समय हमें बोर्ड में ज्यादा उलझन में ना पड़े, क्योंकि बोर्ड हमारे लिए मैटर नहीं करता है। बोर्ड में आपका जो 12th का मार्क्स है उसमें सिर्फ आपको 50% ही चाहिए, 50% मार्क्स चाहिए, आप 50% से ज्यादा कर ला रहे हैं
और इजिली 70% से तो ज्यादा ऐसे ही इजिली आ जाता है, तो कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से सिर्फ ये नहीं लगना चाहिए अपने आप को कि हम बिहार बोर्ड में जा रहे हैं, कोई खराब बोर्ड है, बिल्कुल आप आराम से बिहार बोर्ड में एडमिशन लेके 2 साल अच्छे से प्रिपेयर करें, लास्ट के महीने में आप अपना नीट और AIIP नीट का जो आपका एग्जाम है उसके लिए बिल्कुल रिवाइज करें, और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें इसलिए कि बोर्ड हमारा CBSE है, बिल्कुल नहीं। तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगा कि आप किसी भी स्टेट बोर्ड से आप एडमिशन ले लें, वो आपके लिए लास्ट महीने में आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो ये तो आप बोर्ड के बारे में बता रहे थे और ये भी पता और एक चीज और आशीष, लोगों को लगता है कि स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम है, नहीं, अभी जो है लास्ट के कुछ सालों से स्टेट गवर्नमेंट ने अपने बिहार बोर्ड को BSEB जो है उसको बिल्कुल अच्छे से अपग्रेड किया है। तो उसमें है क्या कि आप जो NCERT बुक आपका CBSE में चल रहा है वो एग्जैक्ट NCERT बुक बिहार बोर्ड में भी चल रहा है, तो आपको आपको ऐसा भी नहीं है कि स्टेट बोर्ड के लिए प्रिपरेशन अलग करना है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, बस सारी चीजें सेम है, आपका इंग्लिश में पेपर, दोनों लैंग्वेज में पेपर होता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, आप जैसे कंफर्टेबल है वैसे लिख सकते हैं, तो बस आपका टैग रहेगा बोर्ड का अलग, बाकी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जेक्ट वही NCERT है, वही सिलेबस है, सब कुछ वही है, इवन बिहार बोर्ड बहुत ईजी है, और आज के डेट में तो बिहार बोर्ड में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो वैसी कोई बात है नहीं, तो 90% इजीली आप ला सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर लड़कियां हैं तो उनके उनको पैसे भी मिलेंगे, बिहार बोर्ड में आपको पैसे भी मिलेंगे, और CBSE में आपको कहीं पे भी एडमिशन कराते तो 50,000 के अराउंड आपको देना पड़ेगा। तो हम फालतू का पैसे भी ज्यादा दें और उसमें ज्यादा समय भी इन्वॉल्व करें और वो आखिरी के 1 मिनट जो हमारा गोल्डन टाइम होता है वो भी वेस्ट करें, तो कहीं ना कहीं वो जस्टिफाइड नहीं है। बिल्कुल आप स्टेट बोर्ड से एडमिशन लें अगर आप नीट करना चाहते हैं तो। अब यहां पर बात नीट का आया, अब हम नीट पर बेसिक से बात करेंगे कि नीट है क्या। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि नीट क्या है और उसके बाद डिटेल में सबके बारे में बात करें। सबसे पहला सवाल तो ये बता दीजिए कि नीट क्या है। देखिए, अगर आप मेडिकल में जाना चाहते हैं तो एक आपको कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा और उस एग्जाम को हम नीट बोलते हैं। पहले अभी से कुछ साल पहले, 5 साल पहले आप चले जाए तो नीट नहीं था। पहले ऑल इंडिया लेवल पे एक एग्जाम होती थी जिसको आप बोलते थे AIPMT, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, और एक स्टेट का एग्जाम होता था जिसको आप बिहार कंबाइन टेस्ट बोलते थे। हाँ, बिहार कंबाइन, जिसमें मेडिकल और वो इंजीनियरिंग दोनों का वो कंबाइन टेस्ट होता था। बट वो क्या हो गया कि अलग, पहले क्या होते थे कि सेंट्रल लेवल पे एक एग्जाम था और स्टेट लेवल पे अपना अपना एक एग्जाम होता था, बट बाद में एग्जाम बहुत ज्यादा सेशन इधर उधर होने की वजह से एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आया जिसमें एक कॉमन अब होगा, जिसमें AIPMT और स्टेट को डिजोल्व करके कॉमन एंट्रेंस टेस्ट निकाला गया जिसको हम नीट बोलते हैं। और ये नीट आपको मेडिकल कॉलेजेस में जाने के लिए ये एंट्रेंस एग्जाम आपको देना मस्ट है। और ये जो आप एग्जाम देंगे इससे 2 रैंक आएंगे, जैसे पहले ऑल इंडिया का टेस्ट होता था तो ऑल इंडिया रैंक आता था और स्टेट का होता था तो स्टेट का रैंक आता था। अब क्या हो गया कि ये नीट एक ही एग्जाम हो गया, तो नीट आपको एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है मेडिकल के लिए, जब आप इसको देंगे तो आपका एक ऑल इंडिया रैंक शो करेगा, उसके अकॉर्डिंग आप ऑल इंडिया लेवल पे आप काउंसलिंग करा सकते हैं, ठीक है। और बाकी स्टेट का एक अलग रैंक आएगा कुछ दिन बाद, उससे आपका स्टेट रैंक, स्टेट में आप काउंसलिंग करा सकते हैं और मेडिकल कॉलेज को अलॉट करवा सकते हैं। तो एक एग्जाम से दोनों चीजें आजकल हो रही है, तो एक ही एग्जाम है, और पहले एम्स का अलग होता था, आजकल एम्स को भी इसी में मर्ज कर दिया गया है। मतलब ओवरऑल अगर मेडिकल एंट्रेंस में आप देना चाहते हैं तो एक ही एग्जाम आपके पास है, वो है नीट। नीट के थ्रू ही बाकी सारी चीजें होंगी। यानी कि सबसे नीट एक ऐसा एग्जाम है जो भी छात्र अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं वो नीट एग्जाम तो कम से कम उन्हें देना है। अब हाँ, बिल्कुल, मैं और डिटेल में जब हम बात करेंगे, लेकिन यहीं पर एक सवाल बहुत के मन में आ जाता है कि क्या बिना नीट दिए कोई डॉक्टर बन सकता है? नहीं, अभी अभी जैसे आप बिना 10th दिए 11th इंटर नहीं कर सकते, बिल्कुल वैसे बिना नीट दिए आप मेडिकल नहीं कर सकते। तो आपका नीट का एग्जाम वो एक गेटवे है, आप उसको क्रॉस करके ही जा सकते हैं। आपको उसको देना है, आप उसमें सेलेक्ट होंगे एंड फिर काउंसलिंग के थ्रू अगर स्टेट में जाते हैं तो स्टेट कॉलेज में पढ़ेंगे और ऑल इंडिया में जाते हैं तो ऑल इंडिया वाले किसी भी कॉलेज में पढ़ेंगे। तो नीट का एग्जाम बिना दिए आप डॉक्टर नहीं बन सकते, नीट का एग्जाम देना ही पड़ेगा। यहाँ पे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहेंगे, डेंटिस्ट जो होते हैं उनके लिए शायद नीट का जरूरत नहीं होता है? नहीं, आप शायद थोड़े, आपको अपडेट नहीं है क्या कि देखिए जो भी चीजें हो रही है आज नीट के थ्रू ही हो रही है, जो भी BDS जो डेंटल आप बोल रहे हैं उसको BDS बोलता है। तो आगे जो आगे वाले रैंक होते हैं, सबसे पहले कोई भी कॉलेज अलॉट होता है तो सबसे पहले आपको MBBS अलॉट होगा,
जब उससे रैंक थोड़ा पीछे रहेगा तो फिर आपको डेंटल, जिसको आप बीडीएस बोल रहे हैं, वो अलॉट होगा। तो बीडीएस भी पूरे तरीके से नीट के ही बेसिस पे आ गया है। अगर प्राइवेट कॉलेज है वो भी नीट के रिजल्ट पे ही आपको एडमिशन लेगा, तो बिना नीट के आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक सवाल और है। बीच में अभी जो कि क्राइसिस आया था, जब यूक्रेन और रूस का पूरा विवाद चला था, तो बहुत ज्यादा मेडिकल चर्चा में था, तो वहां से एक सवाल बहुत मन में आ रहा है, बहुत लोगों के मन में आ रहा है कि यूक्रेन क्यों जा रहे हैं? क्या यूक्रेन जो पढ़ रहे हैं, क्या वो लोग हैं जो कि नीट क्वालिफाई नहीं किए हैं, वो देखो, डोनेशन के देखिए नाम दो पर वहां चीज जा रहे हैं, या क्या सीन है यूक्रेन का, सीन क्या है, थोड़ा सा इस पर आप बताइए। देखिए ओवरऑल एडमिशन लेने के तीन तरीके हैं। एक तो आपका हो गया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जो आप अच्छा रैंक के साथ ले सकते हैं, चाहे वो स्टेट का हो या फिर ऑल इंडिया का हो। एक तो वो हो गया। दूसरा स्टेट ही स्टेट या फिर ऑल इंडिया में जो भी प्राइवेट कॉलेजेज है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो और तीसरा है कि आप फॉरेन में जाके कहीं पे, जैसे रशिया से आप कर सकते हैं, चाइना से कर सकते हैं, यूक्रेन से कर सकते हैं, किर्गिस्तान से कर सकते हैं, और बहुत सारे कंट्री ऑफर करती है मेडिकल, मतलब मेडिकल एमबीबीएस की पढ़ाई। तो एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट कॉलेजेस जो स्टेट और ऑल इंडिया लेवल के हैं, तो वो तो आपको प्रॉपर रैंक आपको लाना पड़ेगा, उस रैंक के अकॉर्डिंग आपको अलॉट होगा, पहली बात। दूसरी बात है कि अगर उससे आप छूटते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप प्राइवेट कॉलेज इंडिया में किसी प्राइवेट कॉलेज से कर लें एमबीबीएस, या फिर आप फॉरेन से कर लें। तो दो ऑप्शन आपके पास बचते हैं। दोनों ऑप्शन में डिफरेंसेस क्या है? तो डिफरेंसेस ये है कि अगर आप इंडिया से ही अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को ऑप्ट करते हैं एमबीबीएस के लिए, तो आपको फी भारी भरकम देना पड़ेगा। मतलब फी आप ऐसा समझ सकते हैं कि 70 लाख से 1 करोड़ों में है, करोड़ 1.5 करोड़ ऐसे करके, मतलब 60 लाख से आपको ज्यादा ही देना पड़ेगा, मिनिमम 70 लाख, 60 लाख से नीचे आपको, प्राइवेट जैसे कॉलेज में। कटिहार। हाँ बिल्कुल, तो प्राइवेट कॉलेज में एक आपको एक कम सेकंड से भैया, कम, हम थोड़ा सा एक्सक्यूज थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। यहाँ पे हमको ये बताएगा, प्रॉपर रैंक आप जो बता रहे हैं, ये प्रॉपर रैंक कितना रैंक होना चाहिए, लगभग कितना रैंक तक का स्टूडेंट को सरकारी कॉलेज मिलेगा, और किसके बाद प्राइवेट मिलने लगेगा? वो आगे हम बताते हैं, फिलहाल तो आगे हम डिस्कस करेंगे इस रैंक पे, पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कितना क्या रैंकिंग चाहिए। तो अभी अभी जो मेन चीजें मैं बता रहा हूँ कि प्राइवेट में आपको लेने के लिए दो ऑप्शन है। गवर्नमेंट अगर नहीं मिलती है तो आप या तो इंडिया में करेंगे प्राइवेट से, या फिर बाहर करेंगे, दो ऑप्शन है। तो इंडिया का जो प्राइवेट फी है वो बहुत ज्यादा है, बहुत मैसिव फी है, मतलब 80 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ ऐसे करके एमबीबीएस सीट, एमबीबीएस आपको 5 साल पढ़ने के लिए आपको देना पड़ेगा। तो ये बहुत ज्यादा है। गवर्नमेंट कॉलेज का जो फी होता है वो मैक्सिमम 5 साल का 50,000, मैक्सिमम 50,000, मतलब 50,000 में आप पूरे 5 साल पढ़ के आ जाएंगे, उसमें हॉस्टल वगैरह सब आपका फ्री रहेगा, मतलब मैक्सिमम 50,000 आपको लगेगा। प्राइवेट कॉलेज इंडिया से करते हैं तो आपको 1 करोड़ के अराउंड भी लग सकता है, मतलब 80 लाख से तो प्लस ही है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज आपको अलॉट नहीं हुआ, आपने फिर 80 करोड़, 90 करोड़, 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़ के आसपास आप नहीं दे सकते हैं फी, तो फिर आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप फॉरन से कर लीजिए। फॉरन में जो अभी एमबीबीएस का कॉस्ट है वो 30 लाख, 35 लाख, वो डिपेंड करता है, मतलब 25 प्लस से होना शुरू हो जाता है। 25 से 40 के अराउंड में आप एमबीबीएस करके वहां से आ सकते हैं। तो लेकिन लेकिन जो आप फॉरेन फॉरेन से जो आप करेंगे, तो फॉरेन से वो लोग करते हैं जिनके पास एक प्रॉपर गवर्नमेंट का मेरिट नहीं आया, दूसरा बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, और कम पैसे में अगर वो डिग्री लेना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, एमबीबीएस करना चाहते हैं, तो वो फॉरेन ही ऑप्ट करेंगे। फॉरेन का जो फी है काफी कम है, 20 लाख से 25 लाख से शुरू होती है और ये 40 लाख के अराउंड जाती है। और फॉरेन वाले में एक चीज और है, बट जैसे ही आप एमबीबीएस कंप्लीट करेंगे तो आपको एक कॉमन इंट्रेंस देना पड़ेगा। वो फॉरेन ग्रेजुएट जो हुए हैं उनके लिए एक कॉमन इंट्रेंस टेस्ट होता है, वो क्वालिफाई करके ही आप इंडिया के लिए रजिस्टर्ड हो पाएंगे, तो वो एक एडिशनल टेस्ट आपको देके आना पड़ेगा। और अगर तो ये प्राइवेट चीज है। कॉलेज से करेंगे तो वो देना नहीं पड़ेगा? नहीं कोई नहीं, आप भारत के हैं तो इंडिया से कहीं से भी करें, आपको उस तरह के टेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। वो सिर्फ फॉरेन वालों के लिए, जो बाहर से एमबीबीएस करके आ रहे हैं उनके लिए एक कॉमन इंट्रेंस टेस्ट है, साल में 2 बार होती है, उसको बस क्वालिफाई करना है और फिर इंडिया के लिए अप्लीकेबल हो जाएंगे। तो हाँ ये एक है। हाँ तो यहाँ पे ये तो ठीक है, लेकिन क्या तीनों के लिए नीट क्वालिफाई है? तीनों को नीट हाँ क्वालिफाई बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक क्राइटेरिया ही बनाया गया है। एक क्राइटेरिया पिछले कुछ सालों तक तो था कि कुछ स्टेट का अलग हो रहा था, एआईपीएमटी का अलग था, तो कुछ चीजें अलग अलग थी, बट होगा? अभी आपको कहीं भी लेना है तो आप नीट के रैंक के थ्रू ही आप जाएंगे। आप ऐसा नहीं कि आज आप बैठे हुए हैं, कल आपको कर रहा है कि एमबीबीएस कर ले, तो नहीं, आप वैसे नहीं जा सकते। आपको प्रॉपर एक नीट का रैंक हो, चाहे वो कितना भी पीछे हो, बट एक क्राइटेरिया है, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आप नीट में अपियर होंगे, आपके कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स आएंगे और फिर आप एडमिशन लेंगे। तो ये चीजें
तो अब थोड़ा सा यहाँ पे अब नीट के प्रिपरेशन पर हम बात करते हैं, फिर हम रैंक पर बात करेंगे। प्रिपरेशन का क्या तरीका हो सकता है नीट में, अगर कोई छात्र जाना चाहता है 10th पास करने के बाद ही, चूंकि उसका प्रिपरेशन बेसिकली स्टार्ट होता है हमारे यहाँ, तो 10th के बाद उसके प्रिपरेशन का क्या सीन है? क्या वो घर से कर सकता है या उसके लिए उसको कोटा जाना कंपलसरी है, क्या उसके बारे में आपका एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस क्या कहता है? सबसे पहली बात तो आशीष है, एक चीज स्टूडेंट के माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और क्लियर नहीं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अगर आप मेडिकल का प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो आपको एकदम माइंडसेट जो होना चाहिए एकदम क्लियर होना चाहिए कि भाई किस क्षेत्र का हम प्रिपरेशन करने जा रहे हैं और कितना इसमें कंपटीशन है और क्या हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर नीट की प्रिपरेशन करनी है तो पहले तो स्टूडेंट को ये क्लियर होना चाहिए कि बेसिकली होता क्या है ना कि लोग अभी भीड़ में चले जाते हैं। जैसे आप आईआईटी कर रहे हो तो मैं भी आईआईटी करूंगा, या फिर मैं मेडिकल कर रहा हूँ तो आप भी मेडिकल करोगे, तो वो चीजें अपनी जगह ठीक है, आप करो जो आपको मन है वो करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो मर्जी पड़े वो करो। लेकिन हम ये कहते हैं कि आप जिस चीज के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, आप 2 साल इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, समय इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप कम से कम उस कंपटीशन के लिए आप एक बार उसको ओवरव्यू जरूर करें कि हाँ क्या चीजें हैं ये। क्योंकि बहुत बार हमने देखा है कि आईआईटी में लोग बस ऐसे ही ब्लाइंडली चले जाते हैं, मेडिकल में ब्लाइंडली आ जाते हैं कि भाई हमें मैथ्स नहीं ठीक लग रहा है तो हम बायो ले लेते हैं, तो वो नहीं, पहले आप पूरा एनालिसिस करें उसके बाद आप आए। जब आप एक बार डिसाइड कर लिए हैं कि हाँ हमें मेडिकल करना है, फिर उसके आगे हम बात करते हैं कि हाँ आपको क्या करना चाहिए। तो पहले आप डिसाइड करें, आप टाइम लें, आप 10 दिन 20 दिन आप टाइम लें, फिर डिसाइड करें। डिसाइड करने के बाद प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं कि हाँ क्या करना चाहिए। तो अभी अभी आपका जो 11th एंड 12th से जो आप प्रिपरेशन करेंगे, तो कुछ लोगों का गार्जियन का बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि पहले बच्चे को 11th एंड 12th करा देते हैं और फिर वो बाद में आईआईटी का तैयारी करेगा। ये आपने भी देखा होगा बहुत कॉमन है कि बहुत अभी तो बच्चा नया है, बच्चा है तो अभी पहले इसको 11th 12th करने देते हैं, फिर वो बाद में मेडिकल की प्रिपरेशन करेगा आगे जाके। ये नहीं है, ये नहीं करना है। क्योंकि देखिए आपका जो बोर्ड का सिलेबस है, आपका जो स्कूलिंग का सिलेबस है, बोर्ड का सिलेबस है, वो अलग नहीं है। आपका आपका जो नीट में जो क्वेश्चन आ रहा है वो उसका जो उसका भी सिलेबस वो एनसीईआरटी ही है जो आपके बोर्ड में जो स्कूलिंग में है, तो सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जैक्ट सिमिलर है, बस चीजें थोड़े अप्रोच की हो जाती है। अगर आप ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे थोड़े तैयारी करते हैं तो आपका कॉम्पिटिटिव व्यू हो जाता है, अगर आप सब्जेक्टिव पढ़ते हैं स्कूल में पढ़ते हैं तो आपका वो सब्जेक्टिव वाला नेचर हो जाता है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो हाँ, तो पहली बात तो जिनका भी तैयारी करना है वो बिल्कुल 10th पास करके आप 11th से ही अपना तैयारी शुरू कर सकते हैं। अब बात आती है कि तैयारी कहाँ से करें, क्या कोटा जाना जरूरी है। तो अभी से कुछ सालों तक पहले तक तो कुछ चीजें था कि आप घर पे रह के नहीं कर सकते थे, क्योंकि अभी जितना इंटरनेट जितना घर घर में पहुंच रखे हैं, जितना सस्ता इंटरनेट है और बहुत सारे ऐसे कोर्सेस ऑफर किए जा रहे हैं जहां पे आप घर बैठ के भी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो दो चीजें, पहले अभी से अगर 7-8 साल पहले की बात करें, 5 साल पहले की बात करें, तो प्रिपरेशन बस उनके लिए सीमित था जिनके पास पैसे थे। अगर आपके पास पैसे नहीं है, 2-4-5 लाख रुपया नहीं है, तो आप नहीं कर सकते थे प्रिपरेशन। और कहीं पे अगर कर भी रहे तो उतना अच्छा प्रिपरेशन का माहौल नहीं था, उतने अच्छे टीचर नहीं थे, उतना अच्छा माहौल नहीं था, तो वो चीजें पॉसिबल नहीं था कुछ हद तक। बट आज के डेट में आपके कोटा वाले सेंटर तो ठीक है, कोटा में जितने भी सेंटर है काफी अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट, बहुत अच्छे सेंटर है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप जाइए, कोई बुराई नहीं है उसमें, बिल्कुल बहुत बढ़िया सेंटर है। लेकिन अगर जो बच्चा अभी जस्ट सपोज नवोदय विद्यालय में 10th करके निकला है, उसके पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो पटना में भी रह सके या फिर घर छोड़ के कहीं पे 5,000 रुपया कभी महीना वो इन्वेस्ट कर सके, तो आजकल वैसे स्टूडेंट भी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो एकदम नॉमिनल कॉस्ट पे, एकदम नॉमिनल कॉस्ट पे 5,000-4,000 रुपये में बिल्कुल पूरे साल का, 2 साल का 6,000 रुपये में पूरे 2 साल का आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करा रहे हैं, बहुत बढ़िया से प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो आप घर बैठे बस आपको एक छोटा सा मोबाइल चाहिए, जो कि आजकल सबके पास, ऐसा नहीं कि एफर्ट नहीं कर सकता, लोग कर सकते हैं, 5,000-6,000 का 8,000 का मोबाइल ले सकते हैं और कुछ डेटा वगैरह थोड़े बहुत अरेंज कर सकते हैं, तो हर किसी के पास आजकल मोबाइल होता ही है। तो अगर कोई बच्चा चाहे कि हम नहीं कहीं नहीं जा सकते हैं, क्या हम घर बैठ के, मेरा बैचमेट तो कोटा चला गया, उसके पास तो पैसे थे, एलएन चला गया, हम नहीं गए, तो क्या हम नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं आप एक मोबाइल पे प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप घर बैठे पूरा का पूरा प्रिपरेशन कर सकते हैं और वही क्वालिटी में कर सकते हैं जो एलएन में बच्चा क्लासरूम में बैठ के कर रहा है। बस फर्क इतना है कि वो लाइव कर रहा है और आप रिकॉर्डेड में या फिर आप मोबाइल पे कर रहे हैं, तो ये चीजें हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं और बहुत नॉमिनल कॉस्ट, मतलब विद इन 5,000 का भी कोर्स बहुत सारे हैं जो बहुत अच्छे कर रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे कोचिंग हैं जो बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और कोई भी अगर स्टूडेंट का डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में डाल ही सकता है, हम लोग रिप्लाई करेंगे। हाँ हाँ
वो तो है। हाँ भैया, यहाँ पर एक सवाल और हम पूछना चाहेंगे कि जो क्लास मतलब 10 तक तो ठीक है, हाँ 10 तक में भी प्रिपरेशन के लिए 10 और 12 तक, क्योंकि आपका टीचिंग का अनुभव है 10 तक का, 11 12 में नहीं, तो आप खुद क्वालिफाइड है और डॉक्टर भी हैं, तो आपको मतलब ये बात आप हम पहले बताइए आप हमको कि जो बच्चा 9 10 में है और वो मेडिकल करने को सोच चुका है कि हमको करना है मेडिकल और उसको प्रिपरेशन करना है 9 10 से, चूंकि अब SST पर कम ध्यान देता है ये लोग जिसको मेडिकल और इंजीनियरिंग में जाना है, तो वो कौन सा बुक को ज्यादा प्रीफर करे और किस तरीका हाँ से पढ़े वो, ठीक है, उसके मतलब एक 9 10 में क्या बदलाव लाए अपने अंदर थोड़ा बहुत जिससे कि 11 12 में उसको बेनिफिट हो जाए। और जोरदार क्वेश्चन पूछ लिया भाई तुमने। क्योंकि और ये सबसे पहली बात तो चूंकि मैं देखता हूँ इन जनरल स्टूडेंट को, आप भी एक टीचर हैं तो आप देखते होंगे कि बच्चे बहुत सारे कुछ इधर दिनेश महेश सुरेश पता नहीं क्या क्या साइड बुक ले आएंगे और वो बोलेंगे कि भैया इसमें ये दे रखा है इसमें ये दे रखा है, तो वो चीजें ठीक है आप करिए, लेकिन एक मिनिमम रिक्वायरमेंट जो हमारा सिलेबस है जिसमें एनसीईआरटी स्ट्रिक्टली है कि भाई एनसीईआरटी आपका सिलेबस में है, तो मैं पहले तो ये कहूंगा कि आप जो भी स्टूडेंट है जो एक्स्ट्रा करने की सोच रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं, सबसे पहले अपना टेक्स्ट बुक को लाइन बाई लाइन कंप्लीट करें सबसे पहले। क्योंकि मैंने ऐसे ढेरों लोगों को देखा है जो एनसीईआरटी तो पढ़ेंगे नहीं और दुनिया भर की किताबें इधर 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 ढेर सारी चीजें ले आएंगे। तो पहले सबसे पहले आप जहां ट्यूशन कर रहे हैं उनका नोट्स पढ़िए, कहीं ना कहीं करते हैं बच्चे, तो अगर कहीं कर रहे हैं तो वो करिए, अगर वो हो जाए उसके बाद आप एनसीईआरटी पे आइए, एनसीईआरटी आप करिए, एनसीईआरटी के एक एक लाइन पे जाइए। क्योंकि ये जो एनसीईआरटी लिखता है ये दुनिया के कोई भी किताब इतना अच्छा टेक्स्ट बुक नहीं लिख सकता है, ये बेस्ट बुक है। लोगों को भले समझ में नहीं आया, लोगों को लगता है ये एनसीईआरटी है कुछ नहीं, आप पढ़ के तो देखिए आप पूरे, आपने आपने कभी पढ़ा क्या? आपने कभी नहीं पढ़ा, आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए आपने कभी नहीं पढ़ा एनसीईआरटी को। इवन मैं भी अपने टाइम में था तो एनसीईआरटी के साइंस के बुक को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा, हमारे पास दूसरे एस चंद थे, हमने भारती भवन का पकड़ रखा था, हमने प्राची पब्लिकेशन था, हमने सारे पब्लिकेशन पढ़े, बट वो जो हमारा कोर बुक था जो बहुत तगड़ा लिखा हुआ था वो हमने नहीं पढ़ा। तो सबसे पहले मेरा एक एडवाइस ये रहेगा स्टूडेंट से कि सबसे पहले आप अपना एनसीईआरटी को करें, चाहे वो मैथ्स का हो चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का जो भी हो, तो पहले वो एनसीईआरटी करें। एनसीईआरटी जब हो जाए आपसे तो एक एक आजकल मार्केट में नया आ रखा है एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर आ रखा है, वेबसाइट पे फ्री में लगा हुआ है। बिल्कुल फ्री में है आशीष, एग्जाम्पलर जो है वो बहुत तगड़ा है, अल्टीमेट क्वेश्चन दे रखे हैं, अल्टीमेट मतलब एकदम तगड़े क्वेश्चन दे रखे हैं। अगर किसी ने किसी टीचर का जो ट्यूशन कर रहा है वो कर लिया, फिर उसके बाद एनसीईआरटी कर लिया, और उसके बाद अगर एग्जाम्पलर कर लिया, और अगर इन तीन चीजों को वो शुरू से अंत तक कर रखा है, बार बार पढ़ रहा है इतना को, तो मोर देन 90% चीजें उसका कंप्लीट है। इसके बाद अगर आपके पास टाइम मिलता है तब साइड बुक पे जाइए, तब साइड बुक पे जाइए। और साइड बुक में भी क्या है, देखो साइड बुक में आपको वो साइड बुक को ऐसा नहीं कि आप पूरा पूरा पढ़ना होता है, लोगों को लगता है कि ये साइड बुक है साइड बुक को तो पूरा पढ़ना होता है, नहीं, साइड बुक को आशीष रेफरेंस बुक बोला जाता है। हाँ, और रेफरेंस बुक का मतलब होता है कि आपको तब रेफर करना है जब आपको एनसीईआरटी का कंटेंट नहीं समझ में आ रहा है, हाँ, या फिर कुछ आप एडिशनल जानना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा साइड बुक का पढ़ लें। आप साइड बुक उठा के देखिए ना, आप 9th का साइड बुक को देखिए, 11th से ज्यादा चीजें दे रखा है उसमें, तो वो कोई मायने ही नहीं रखता है आपके लिए, वो तो आपको आगे आएगा ही। तो रेफरेंस बुक को रेफरेंस बुक की तरह ही आप प्रिस्क्राइब करें। रही बात बुक कौन सा देखे, तो कोई ऐसा कोई प्रिस्क्राइब्ड बुक नहीं है, बट कुछ दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक वो जो कहीं पढ़े नहीं है खुद से टेक्स्ट पढ़ना चाहते हैं साइड बुक और चाहते हैं कि सारी चीजें समझ में आ जाए, तो उनके लिए 9th 10th का जो बुक है वो एस चंद पब्लिकेशन का जो आता है उसका अगर आप लैंग्वेज देखें तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल लैंग्वेज है, एक ही चीज को 4 बार लिखा है। तो अगर कोई स्टूडेंट कहीं पे कोचिंग नहीं किया है कुछ नहीं किया है तो रेफरेंस बुक की तरह एनसीईआरटी को समझने के लिए आप एस चंद को फॉलो कर सकते हैं। और अगर कुछ बच्चे हैं जो बाहर से कहीं ना कहीं से पढ़ के आ गए हैं कुछ ना कुछ करके आ गए हैं, तो स्कूलिंग वालों के लिए भारती भवन का जो आता है कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वो बहुत पतला बुक है, बहुत पतला बुक है, ये उनके लिए है जो कहीं से कोचिंग कर रखे हैं थोड़े बहुत साइड बुक रेफर करना चाहते हैं तो उसके लिए ये है। तो ये तो स्कूलिंग वालों के लिए हो गया। और कुछ लोग हैं कि नहीं हमें तो भाई कॉम्पिटिटिव टाइप का ही करना है, तो पहले एनसीईआरटी फिर पहले नोट्स फिर एनसीईआरटी फिर एग्जाम्पलर, इसके बाद समय मिलता है तो आप एनटीएससी वगैरह का बुक ले सकते हैं जिसमें आपको, चूंकि देखिए हमें नॉलेज नहीं बढ़ाना है, हमें रिसर्च नहीं करना है किसी टॉपिक पे, हमें उस चीज पे फोकस करना है जो एग्जाम में आ रहे हैं, क्योंकि रिसोर्सेस अनलिमिटेड है, नॉलेज अनलिमिटेड है, आप कितना पढ़ोगे, आप तो वो पढ़ो ना, आप वो पढ़ो जो आगे किसी ना किसी एग्जाम में स्ट्राइक करे।
तो आपका जो नाइन्थ एंड टेंथ का सिलेबस है ये पूरे तरीके से एनटीएससी में आता है। एनटीएससी में देख लीजिए आपका जो दक्षिणा फाउंडेशन होता है नवोदय के लिए, उसमें आप देख लीजिए। तो आप दक्षिणा फाउंडेशन के साइट पे जाइएगा तो उसका कुछ नोट्स है, आप उसको देख लीजिए अगर टाइम मिल रहा है तो। उसके अलावा अगर टाइम मिल रहा है तो आपको एनटीएससी का बुक गाइड है वो आप खरीद लीजिए। लेकिन आपको डायरेक्टेड हो के आपको प्रिपरेशन करना, उतना ही चीज पढ़ना जितना जरूरी है। हर चीज आप नहीं पढ़ सकते, और पढ़ भी लेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा। तो इधर उधर एनर्जी वेस्ट ना करें, 10 किताबों को ना पढ़ें, 1 किताब को पढ़ें और 10 बार पढ़ें, ठीक है? तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर चूंकि आपका भी टीचिंग का एक्सपीरियंस है और थोड़ा बहुत मेरा भी है, तो उस दोनों चीज को ऐड करते हुए एक सवाल, और मतलब सवाल क्या, एक सुझाव के तौर पर आपसे हम जानना चाहते हैं। छात्र जो कि क्लास 9 और 10 में है वो एनसीईआरटी का बुक कम्प्लीटली पढ़ लेता है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी कम्प्लीटली एक एक सवाल को बनाता है समझ के, तो 9-10 दोनों में, तो क्या वो अगर आईआईटी का प्रिपरेशन करने के लिए कोटा या मेडिकल का प्रिपरेशन करने के लिए कोटा जाता है तो क्या वहां पर वो और स्टूडेंट के मुकाबले बहुत कमतर महसूस करेगा, लेवल में महसूस करेगा, या थोड़ा अप महसूस करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, 10th तक जो सिलेबस होता है बिल्कुल अलग होता है, और 11th-12th की जहां तक बात है वो बिल्कुल अलग होता है। और अगर आपने ईमानदारी से इतने चीजें कर ली, आपने एनसीईआरटी आपने किया है 9-10th का बहुत अच्छे से, मतलब आपका बेसिक, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इनडायरेक्टली, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ ना कि एनसीईआरटी आप करो, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर करो, जो आपके पास नोट्स है किसी भी टीचर का वो करो। अगर आपने इतना कर लिया, और मैं बोल रहा हूँ किसी को बार बार करो, तो मैं इनडायरेक्टली ये कह रहा हूँ कि आप बेसिक पहले कंप्लीट करो। बेसिक आप बहुत ज्यादा हाई फाई में मत जाओ, क्योंकि मैंने या आपने भी देखा होगा कि स्टूडेंट को बेसिक बहुत अच्छा क्लियर नहीं है और वो दुनिया भर की बातें करता है, तो वो ठीक नहीं है। आप इतना कर लो, इसके बाद आप कहीं पे भी जाओगे बिल्कुल कंफर्टेबल रहोगे, बिल्कुल 100% कंफर्टेबल रहोगे, कहीं किसी से पीछे रहने की बात नहीं है। अगर आप थोड़े बहुत कोई आईसीएससी वगैरह से है, थोड़े आपको लगता है कि वो थोड़ा ज्यादा जानता है, तो आप उसको पकड़ सकते हो और उसको खींच सकते हैं। आपको लैग नहीं करोगे, आप किसी भी पॉइंट पे लैग नहीं करोगे कि टीचर पढ़ा रहा है और हमें समझ में नहीं आ रहा। आप एकदम कंफर्टेबल रहोगे, तो बहुत ज्यादा करने की इधर उधर जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टेड होके। और एक एक वही आशीष कि आजकल वो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अगर आपको ये पता है ना कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, तो आप आई थिंक आप दूसरों से आगे तो थोड़े बहुत ऐसे भी निकल सकते हो, क्योंकि जो साइड बुक पढ़े हमें पता है वो एनसीईआरटी नहीं पढ़े। और दुनिया का कोई भी एग्जाम, इंडिया का कोई भी एग्जाम आप निकाल लीजिए, मतलब 9-10 से लेके एनटीएससी ओलंपियाड किसी भी लेवल का एग्जाम जाइए, एनटीएससी एनसीईआरटी का क्या इंपॉर्टेंस है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो अलग बात है बच्चे पढ़ते नहीं है, बट इंपॉर्टेंस हर किसी को पता है। यहाँ पे भैया अब थोड़ा सा, ये तो एजुकेशन के बारे में हम बात की कैसे पढ़ना है, अब थोड़ा सा मेडिकल सेक्टर में फिर से चलते हैं वापस। और एक बेसिक सवाल कि अगर एक व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है, कहावत है हमारे तरफ कि कोई डॉक्टर बनना बूढ़ा हो जाएगा, बूढ़ा डॉक्टर बनते बनते कितना साल लगता है, एकदम कंप्लीट डॉक्टर बनने में कितना साल लगता है, कोई भी डॉक्टर बनने में टोटल आप बता दीजिए, मतलब सबको अलग अलग करके कितना साल लगता है डॉक्टर बनने में? देखिए दो चीजें हैं, मतलब एक तो लोग सही में मोस्टली, मैंने भी ये सुना है कि भाई मेडिकल में तो अब तो तुम्हारा हो गया, जिंदगी भर पढ़ते रहो। तो देखो वो तो मेरे ऊपर है ना कि हम कितना पढ़ना चाहते हैं, वो तो मेरे ऊपर है। हम बात करते हैं कि भाई आप आईआईटी से कंपेयर इसलिए करते हैं ना कि आईआईटी में वो निकल जाता है, वो उसको पैकेज मिलता है और आपको लगता है कि नहीं मेडिकल वाला तो अभी पढ़ ही रहा है, तो हम उस पर थोड़ा सा देखते हैं। देखिए बीटेक भी आपका जो होता है वो 4 साल के राउंड का होता है, 4 साल जो भी 4 साल के राउंड होता है, और जो एमबीबीएस होता है वो 4.5 साल आपका एमबीबीएस का हो गया, और 1 साल इंटर्नशिप होता है, टोटल 5.5 साल। तो उधर 4.5 साल के राउंड हो रहा है और इधर 5.5 साल। तो दो चीजें हैं। अगर आप पढ़ाई को देखें तो भाई आपका एक, आपने वहां से भी आप ग्रेजुएशन करते हैं, बीटेक भी करते हैं, और इधर आप एमबीबीएस करते हैं, तो वो दोनों पैरेलल अगर आप देखें तो उधर आप बीटेक कर रहे हैं 4 साल के आसपास लग रहा है, इधर एमबीबीएस कर रहे हैं 5.5 साल लग रहा है। बट इस एमबीबीएस के बाद आपके पास ऑप्शन है, अगर आप चाहो तो पढ़ो। मैं तो ये बोल रहा हूँ ना, पढ़ना का मैंडेटरी थोड़े ना, ये तो लोग इसलिए पढ़ते हैं कि प्रोफेशन ऐसा है कि छोड़ेंगे क्यों। लेकिन उसके बाद आप ये देखो ना कि आपने एमबीबीएस किया, फिर उसके बाद पीजी वगैरह का प्रिपरेशन किया, अगर आप पीजी में किसी भी डिपार्टमेंट से, टोटल 19 सब्जेक्ट होते हैं एमबीबीएस में, उस 19 सब्जेक्ट में किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप पीजी करते हैं तो आपको अच्छे खासे पैसे मिलते हैं आज के डेट में, 75,000 अराउंड मिल रहे हैं आजकल। तो अगर 75,000 आप, डिटेल में बताइएगा भैया पीजी क्या है यहाँ पे? देखो एमबीबीएस जो होता है वो ग्रेजुएशन होता है, ठीक है? तो ग्रेजुएशन के बाद ऑब्वियसली बात है पोस्ट ग्रेजुएशन होगा ही, तो एमबीबीएस करने के बाद पीजी के कोर्सेज होते हैं, और पीजी में ढेर सारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि मेडिसिन है, पीडियाट्रिक्स है, मतलब बच्चा वाला डिपार्टमेंट है, हड्डी वाला डिपार्टमेंट है, कार्डियोलॉजिस्ट मेडिसिन है, गायनी वाला है, वो सारी चीजें हैं।
तो बहुत सारा बायो बायोकेमिस्ट्री का है, माइक्रोबायोलॉजी है, तो ढेर सारी चीजें, टोटल 19 सब्जेक्ट होते हैं। तो एमबीबीएस के बाद ये 19 सब्जेक्ट में कुछ जो सब्जेक्ट है वो एमडी का आपका डिग्री देगा, मतलब पीजी जिसको बोल रहे हैं, पीजी में एमडी का डिग्री देगा, ठीक है, मेडिसिन वाला डिग्री देगा आपको मास्टर का, और कुछ में आपको एमएस का मतलब सर्जरी वाला डिग्री आपको देगा, मास्टर ऑफ सर्जरी का देगा। तो वो दो अलग अलग चीजें हैं। और रही बात भाई 5.5 साल करने के बाद अगर आप कॉलेज में ले लेते हैं तो आपको जो जॉब में जितना पैसा मिलना चाहिए उतना पैसा आपको यहाँ पे भी मिलेगा। तो आपको पढ़ने के, अगर अगर आपको पढ़ने के लिए पढ़ने के पैसे दिए जा रहे हैं तो इसमें फिर कहाँ बात आती है कि बहुत लॉन्ग टर्म है पढ़ाई या फिर क्या है, नहीं है, ठीक है, आप के चाहो लिए तो। पैसा स्टूडेंट को नहीं देना पड़ता है, सरकार की तरफ से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप प्राइवेट में जाएंगे तो आपको देना पड़ेगा, गवर्नमेंट में कोई आपको उल्टे आपको स्टाइपेंड अच्छा खासा 70,000 के अराउंड आपको मिलेगा, तो बड़ा अच्छा है तो। तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये हाँ चीजें लोगों को मेडिकल मतलब आईआईटी वाले जो होते हैं वो समझते नहीं है, उनको लगता है कि बहुत पढ़ना है। तो हाँ पढ़ना है ना, पढ़ने अगर पढ़ने के भी पैसे मिल रहे हैं तो क्या बुराई है पढ़ने में, दिक्कत तो तब है ना जब आप 8-10 साल पढ़ रहे हैं आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो आप एमबीबीएस के बाद कुछ भी आप पढ़ेंगे जॉब करेंगे तो आपको हर हाल में पैसा मिलेगा। यहां पर दो चीज और मेडिकल सेक्टर में हम आपसे जानना चाहेंगे। अब चूंकि टीचिंग एक्सपीरियंस के बारे में जो बात करना था कर लिया, अब चूंकि आप मेडिकल सेक्टर से हैं तो आप मेडिकल सेक्टर के बारे में एक दो बात करना चाहेंगे कि जो लोग एमबीबीएस हैं, अच्छा कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो कि फिजिशियन होते हैं, कुछ डॉक्टर सर्जन होते हैं, तो फिजिशियन बनने का क्या क्राइटेरिया है, सर्जन बनने का क्या क्राइटेरिया है, वही मैं बोला। स्पेशली जो होते हाँ हैं स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट या हड्डी रोग देखिए विशेषज्ञ, देखिए शिशु रोग विशेषज्ञ, उनका क्या, ठीक है, इन देखिए तीनों के बारे में थोड़ा सा बताइए। एमबीबीएस तो एक कॉमन मेडिकल की पढ़ाई होगी जो हर किसी को करना है, वो आगे सर्जन बने वो फिजिशियन बने क्या बनना है उससे मतलब नहीं है। एमबीबीएस एक कॉमन चीज है जो आपको करना है, हर किसी को करना है। हर किसी को। एमबीबीएस जैसे ही आपको खत्म होगा, जैसे अभी नीट यूजी के जो हम बात कर रहे हैं अभी इतने डिटेल में, वैसे ही नीट पीजी होती है। नीट पीजी ऑल इंडिया लेवल पे होगा जिसमें स्टेट के लिए भी रैंक आएंगे और ऑल इंडिया भी रैंक आएगा। उसके अकॉर्डिंग एमबीबीएस के बाद आपको दो कोर्स ऑफर किए जाएंगे या फिर आप ऑप्ट कर सकते हैं रैंक के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। एक जो होगा वो एमडी साइड में होगा, एमडी मतलब मास्टर इन मेडिसिन वाला हो गया, और एक एमएस हो गया जो सर्जरी वाला हो गया। ये 3 साल की कोर्स होती है, मतलब एमबीबीएस के बाद 3 साल एमडी करते हैं, तो एमडी को ही फिजिशियन बोलते हैं। एमडी जो आप है ना वो मेडिसिन डिपार्टमेंट हो गया, फिजिशियन उसी साइड को बोलते हैं, और जो एमएस हो गया वो सर्जन साइड में हो गया। अब ये 3 साल आप एमडी करते हैं या एमएस करते हैं, किसी एक चीज से कर सकते हैं, आप ऑर्थो से एमएस कर सकते हैं, आप जनरल सर्जरी से एमएस कर सकते हैं, आप और भी डिपार्टमेंट से एमएस कर सकते हैं, आप ईएनटी से एमएस कर सकते हैं, आप ओब्स गायनी से मतलब जो लेडीज की डॉक्टर होती है उससे आप एमएस कर सकते हैं, और जैसे आप मेडिसिन के साइड में जाए तो आप मेडिसिन जनरल मेडिसिन से आप मतलब एमडी मेडिसिन कर सकते हैं, और फिर वैसे ही आप फिजियोलॉजी से भी मेडिसिन होता है, बायोकेमिस्ट्री से भी मेडिसिन होता है, मतलब अलग अलग चीजें होती हैं। तो वो दो रास्ते हैं जो फिजिशियन और सर्जन जो बोल रहे हैं, तो वो एमडी और एमएस है एक्चुअली टेक्निकल लैंग्वेज में। और ये एमडी और एमएस का आप कर लेंगे तो जैसे फिजिशियन कोई कार्डियक फिजिशियन है, कोई हार्ट का डॉक्टर है, तो वो उसके बाद फिर डीएम होता है, तो एमबीबीएस फिर एमडी और फिर डीएम होता है। डीएम में आप मतलब उसको आप स्पेशलाइज कर सकते हैं कि भाई हाँ ये कार्डियो का है, ये न्यूरो का है, और ये गैस्ट्रो का उसमें है, कितना अलग समय अलग लगता चीजें है? उसमें। फिर पहले तो 3 साल ये करना पड़ेगा, फिर 2 साल फिर और आगे करने पड़ेगा। 2 साल फिर और आगे करना। हाँ, और इस बीच में आपका प्रिपरेशन के टाइम में भी प्रिपरेशन का भी कुछ समय लॉस हो जाता है, क्योंकि इंट्रेंस है तो इंट्रेंस में आपको समय जाएंगे कुछ ना कुछ। अच्छा, जो एमबीबीएस है तो हम उनको ना फिजिशियन बोल सकते हैं ना सर्जन बोल सकते हैं। आप जनरल सर्जन जनरल फिजिशियन बोल दीजिए, यही चलता है। अच्छा, हाँ, चूंकि सारी चीजें सारे एमबीबीएस को चीजें सर्जरी करना अलाउड है? हाँ बिल्कुल अलाउड है, आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो एमबीबीएस हाँ के आप ऑफिशियली रजिस्टर्ड है, आप कर सकते हैं, आपके पास टेक्निक है, आपने उतना अच्छा एक्सपोजर है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, अलाउड है। हाँ तो मतलब एमबीबीएस के पढ़ाई में सर्जरी सिखाया जाता है उस बीच में जो सारे। हाँ बिल्कुल, थोड़े बहुत तो होते ही हैं, बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं होता है, क्योंकि सर्जरी एमबीबीएस लेवल की चीजें बहुत ज्यादा नहीं है। बट है कि आप अगर एमबीबीएस करने के बाद होता है कि आपका स्किल अच्छा, आपने कहीं से सीखा है, आपने आपका उतना जुनून है, कुछ लोग सीख जाते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, अलाउड है, मतलब ऑफिशियली अलाउड है आप। ऑफिशियली कर सकते हैं और हाँ बिल्कुल, के नीचे लिख भी सकते हैं कि एमबीबीएस सर्जन फिजिशियन कुछ भी आप जनरल सर्जन लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, जनरल सर्जन लिख सकते हैं अब आप, एक ऐसा नहीं सवाल, एमएस सर्जरी आप नहीं लिख सकते, एमएस नहीं लिख सकते, एमबीबीएस लिख सकते हैं, एमएस नहीं लिख सकते। अब एक सवाल है जो मेरे मन में क्लास 9 से है। क्लास 9 में है बायोडायवर्सिटी, और आपको बताने का जरूरत आ भी रहे हैं, और इधर सीबीएसई उस चैप्टर को कट किया था कोरोना टाइम में, सिलेबस को हटा दिया, बोला इसको पढ़ 2 साल जो कोरोना टाइम था उसको सीबीएसई पूरी तरह से सिलेबस से हटा दिया।
इस बार जोड़ा है, तो इस बार बहुत हद तक सिलेबस को काट दिया। और ये ऐसा चैप्टर है जो बहुत ऐसे बच्चे होते हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, जिनका डॉक्टर बनने का सपना तोड़ देते हैं। कैसे याद कर लोग? देखो वो ऐसा चैप्टर है, अगर देखा जाए तो मेरा खुद ही बहुत बुरा हाल था उस चैप्टर में। आई थिंक बस पासिंग मार्क्स ही आए थे उस चैप्टर से जब हमारा मंथली टेस्ट हुआ था। तो वो ऐसा टॉपिक है कि हर किसी को दिक्कत होती है, और दिक्कत इसलिए होती है कि देखो है क्या ना कि मैथ्स हम जब से हमें याद है तब से पढ़ रहे हैं। अगर डे वन से अगर कुछ हमारे माइंड में कुछ अदास्त है स्कूलिंग का, तो मैथ्स उसी दिन से हम पढ़ रहे हैं। लेकिन बायो का सिनेरियो एकदम अलग है। बायो हम नाइन्थ क्लास से शुरू ही करते हैं, एट्थ में थोड़े बहुत आते हैं, मतलब वो बायो एग्जैक्ट बायो नहीं है वो, बट ठीक है एट क्लास में थोड़े बहुत। तो वो होता ना कि पहली बार किसी चीज का एक्सपोजर हुआ, हम अलजेब्रा तो फिफ्थ क्लास से पढ़ते हैं, थोड़े बहुत फिफ्थ में पढ़ते हैं, सिक्स में पढ़ते हैं, सेवन्थ में पढ़ते हैं, फिर नाइन्थ टेंथ हर जगह पढ़ते हैं। दिक्कत ये कि वो चीजें हमने बायो को कभी हमने डिटेल में ना ही पढ़ा। और दूसरा जो हमें सबसे ज्यादा लगता है एज ए टीचिंग जो एक्सपीरियंस है कि मैथ्स आपको हर जगह पे पढ़ाने वाले मिल जाएंगे। केमिस्ट्री फिजिक्स हर हर घर में एक भैया एक दीदी है एक गार्जियन है जो पढ़ा देंगे आपको, लेकिन बायो आपको पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। और मिलेगा भी तो वो ये बोलेगा अरे यार रट्टा मार है, देख ना ये रट्टा मार है, ये बस याद कर ले किसी तरीके से। ऐसा नहीं है, वो भी टॉपिक जो एनिमल डाइवर्सिटी वो डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, आर्थ्रोपोडा मोलस्का पोरीफेरा पता नहीं हाँ सेलेंट्रेटा, अरे नाम नाम बोलने नहीं आते लोगों को, वही ना नाम बोलने नहीं आते, इकाइनोड्रमाटा नाम तक प्रोनाउंसिएशन करने नहीं आ रहा है। तो वो टॉपिक डिफिकल्ट है, उस डिफिकल्ट टॉपिक है तो ठीक है, वो ऐसा भी नहीं है कि किया नहीं जा सकता, किया जा सकता है, बस थोड़े लॉजिकल अगर टीचिंग हो जाए, कुछ जगह पे टीचिंग बहुत अच्छा होता है उस टॉपिक का तो वो बिल्कुल कर लेते हैं। तो ठीक है एक आध टॉपिक टफ हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है जैसे ने बोली अभी अभी हाल में हम एक रिपोर्ट देख रहे थे, किसी के कैंसर का रिपोर्ट था, तो वो रिपोर्ट इतना टर्म लिखा हुआ था, ठीक है वो बहुत ही अजूबा अजूबा टर्म सब, बस हमको लगता है कि 20-20 लेटर का एक एक वर्ड लिखा हुआ था, ठीक है तो बड़ा प्रोनाउंसिएशन करने में पढ़ने डालने में दिक्कत नहीं, नहीं, वो, समझ में नहीं, नहीं वो आपको आप अगर मेडिकल से थोड़े बहुत भी नॉलेज अगर आप रखते हैं तो आपको वो चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाता। जो भी बहुत बड़े बड़े टर्म होते हैं ना वो पार्ट बाई पार्ट होते हैं, पार्ट बाई पार्ट होते हैं आप, तो उनका एक मतलब होता है। जैसे आप कोई भी बहुत बड़ा लंबा टर्म बोल रहे हैं तो उसके हर पार्ट में एक एक मतलब छुपा हुआ है। तो वो चीजें जब लॉन्ग टर्म आदमी 4-5 साल पढ़ते हैं तो उनके लिए बहुत नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल चीजें हैं। आप कुछ भी लिख दो वो चीजें समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या लिखा हुआ है। आप उसको एज ए एक वर्ड देख रहे हैं तब आपको दिक्कत आ रही है, हम उसको पार्ट बाई पार्ट देख रहे हैं तो वो मेरे लिए आसान है और हर मेडिकल वालों के लिए आसान है। तो वो एक होता है ना कि अपना अपना एक एरिया है जहां पे आप अपने तरीके से, जैसे मैथ्स का इक्वेशन आप देखो ना 11th 12th का, तो हाँ। पता नहीं क्या क्या वो ऐसे ऐसे रिलेशन फंक्शन कैसे कैसे कर देते, तो हमें नहीं समझ में आता है क्या है वो, हाँ, वो और मैथ्स वाले को दिखता है वो चीजें। तो वही बात है कि ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस है अपना अपना। और एक सवाल अब यहाँ पे मेडिकल सेक्टर से जुड़ा हुआ बहुत ऐसा ऐसा सवाल है जो कि मतलब बोलने कॉमेडी कर रहे हैं लेकिन फिर भी सवाल है, ठीक है। अब सवाल ये है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं आप लोग का राइटिंग काहे खराब हो जाता है? नहीं हाँ ये एक लोगों का ये रहता कि अरे डॉक्टर का राइटिंग की वजह से लोगों की जान जा रही है। मैं मानता हूँ कि डॉक्टर के राइटिंग प्रिस्क्रिप्शन सीट पे बहुत अच्छे नहीं होते। इसका रीजन है आप अभी गूगल करिएगा, मेरे सेशन के बाद आप गूगल करिए और देखिए कि पर 1000 पॉपुलेशन में कितने डॉक्टर होने चाहिए या फिर कितने 10,000 में कितने डॉक्टर होने चाहिए। अगर जहाँ पे 10 होने चाहिए वहाँ पे एक है, जहाँ पे 20 होने चाहिए वहाँ पे 2 है। अगर आप सोचो ना कि अगर आप अभी बैठे हुए और आप मान के चलो कि थोड़ी देर के लिए आपको ओपीडी मतलब जहाँ पे अभी लोग आएंगे और आपसे अपना बीमारी को दिखाएंगे, अगर पांच आएंगे, अगर 2 घंटे का सेशन है, अगर आपके पास 2 घंटे ओपीडी का टाइम है, आपके पास 10 लोग आए हैं, तो 2 घंटे में 10 लोगों को आप बड़े आराम से देख लोगे कि नहीं, बिल्कुल देख लोगे। लेकिन वही सोचो कि 200 पेशेंट आ जाए, आप क्या करोगे? ऑब्वियस सी बात है आप वैसा ही लिखोगे जो जल्दी जल्दी बस काम चल जाए। आप लिखो फार्मेसिस्ट समझे इतना ही लिखोगे। आपने 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 टेस्ट लिया होगा ना, जितने भी टीचर्स ये वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं टेस्ट लिया होगा। अगर क्लास में बच्चे 400 कॉपी टेस्ट करने के लिए दे दिया जाए तो आप देखो उनका साइन तक पता नहीं चलेगा आपको, और 2 कॉपी दे दो उनको चेक करने के लिए बहुत अच्छे से कर देंगे। तो ओवरलोड की वजह से ये राइटिंग खराब होती है। ऐसा नहीं है, जब हमारा भी राइटिंग बहुत बढ़िया है वैसे तो बहुत अच्छा राइटिंग है, लेकिन मैं प्रिस्क्रिप्शन सीट पे लिखूंगा तो आपको लगेगा कि क्या रगड़ कर लिख दिया। तो वही बात है लोड ज्यादा है और इस वजह से आप क्या करेंगे, आप 200 पेशेंट को आप पेंडिंग में तो नहीं रख सकते ना। आप ये तो नहीं बोलेंगे ना कि 20 को देखने और 180 को कल देखेंगे, आपको सारे देखने हैं। गवर्नमेंट
कि कोई नॉर्मल आदमी को ये थोड़े ना सोच पाता है कि भाई डॉक्टर का राइटिंग खराब है। आप देखिए ना उसके लोड कितने हैं, चैम्बर के बाहर 100 लोगों का लाइन लगा हुआ और 2 बजे 1:30 बज गए, आधे घंटे में सारे को देखना है, कहाँ से देखेगा वो। तो वो चीजें हैं इसलिए राइटिंग खराब है, बाकी ऐसा नहीं है कि राइटिंग खराब है, आपको शानदार राइटिंग दिखेंगे। अच्छा यहाँ पे अब थोड़ा सा और एक दो सीरियस पे सवाल पे आते हैं कि ये जो आयुर्वेद का डॉक्टर होते हैं, जो होम्योपैथी का डॉक्टर होते हैं, क्या एमबीबीएस करना अलाउड है, नीट क्वालिफाई करना अलाउड है, या उनके लिए कुछ अलग व्यवस्था? जितने भी आप मेडिकल से रिलेटेड कोर्सेस करना चाहते हैं, ज्यादातर कोर्सेस में आपको क्या करना है कि नीट देना ही पड़ेगा, नीट देना पड़ेगा, और नीट के थ्रू ही आप सारे कॉलेज में जा सकते हैं। कुछ एक आध साल पहले तक या फिर एक आध कॉलेज कोई होगा जहाँ पे आपको अलग से एग्जाम देना पड़े आयुर्वेद के लिए, बट जहाँ तक हमें ध्यान है कि अभी ज्यादातर कॉलेज, मतलब 95% 90% कॉलेज है, वो नीट के थ्रू ही भरे जाते हैं। तो वही एक एग्जाम है। हाँ, बाकी कुछ एक आध का अगर अलग से हो तो वो अभी ध्यान नहीं है मुझे, बट हाँ, जहां तक अपडेट है मुझे ये सारे एग्जाम नीट के थ्रू ही, मतलब नीट के थ्रू ही एडमिट होते हैं। हाँ, अब थोड़ा सा कट ऑफ पे हम लोग अगर थोड़ा सा बात कर पाए, अगर समय हो तो कट ऑफ पे बता दीजिए कि क्या सीन है कट ऑफ का अभी के समय में। ये सबसे पहली बात तो हम बात करेंगे कि कितने लोगों का सिलेक्शन होता है, परसेंटेज रेशियो क्या है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को पता होना चाहिए कि हम कितने लोग हैं और कितने लोगों में कितने लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। टोटल जो नीट में अपियर होते हैं वो लगभग 16 से 18 लाख के आसपास अपियर होते हैं हर साल अपियर होते हैं। और इसमें इसमें जो सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि सीट जो है वो बहुत कम है, मतलब आप ऐसा समझो कि जिसका 10,000 रैंक आया है वहीं तक कॉलेज मिलेगा, मतलब ऑल इंडिया जिसका 10,000 रैंक है लगभग वहीं तक कॉलेज मिलेगा। तो हर 150 या 200 बच्चे में बस एक का सिलेक्शन होगा, हर 150 से 200 बच्चे में बस एक का सिलेक्शन होगा। तो ये बहुत डेंजरस चीजें हैं मेडिकल के लिए, आप कॉलेज मतलब, और इसीलिए मतलब एक कॉमन हम हमेशा कहते हैं कि भाई इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना आसान है, निकलने के बाद डिफिकल्टी है जॉब लेने में, मेडिकल में जाना डिफिकल्ट है, निकलने के बाद बहुत ईजी है। तो ये बहुत बेसिक डिफरेंस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि नीट का जो एग्जाम है उसमें सिलेक्शन परसेंटेज मतलब 0.7-0.5% आप कर सकते हैं, 200-150 बच्चों में एक का सिलेक्शन हो रहा है, और वो भी आशीष थोड़ा सा अगर आप ठहर के सोचे तो बहुत एक अजीब सा चीज आपको लगेगा। और आईआईटी वगैरह में 2 साल ही चांसेस होते हैं, 2 साल आप दो बार दो आप तीसरे बार आप दे नहीं सकते। मेडिकल में ऐसा नहीं है, मेडिकल में आप 17 साल के अगर हो गए तो 17 साल से लेकर जब तक आप देना चाहें दे सकते हैं, जब तक अपर एज लिमिट, हाँ अपर एज लिमिट है ही नहीं। और इससे इससे होता क्या, 40-45 तक भी दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अपर लिमिट है ही नहीं, एनटीए के साइट पे लिखा हुआ है कि नो अपर लिमिट फॉर नीट, मतलब अपीयरिंग इन नीट। तब तो एक आध लोग बहुत ज्यादा उम्र वाले भी आप लोग के साथ रहते होंगे, बहुत ज्यादा 40-45। हाँ कुछ होते हैं बट ज्यादा लेट नीट देने से फायदा भी नहीं है क्योंकि आगे की भी पढ़ाई तो काफी लंबी है ना, तो आप 2-3 साल 4 साल में अगर चले जाते हैं मैक्सिमम 4 साल तो ठीक है, और इसमें टूट जाता है उसके बाद नहीं जाने का। हाँ तो अभी दिक्कत क्या आ रही है नीट में, एक तो 150 बच्चों में एक बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है, 100 बच्चे 200 बच्चे में एक बच्चे का, मतलब 0.5-0.7% ही सिलेक्शन हो रहे हैं। और वो जो बच्चे हैं सोचो ना आप, कि जैसे इस बार जो एडमिशन हुआ कॉलेजेस में उनकी अगर आप देखें तो जैसे 10,000 बच्चे का सिलेक्शन हो गया, बाकी जो 10,000 से 40,000 रैंक वाले हैं वो सोचो वो एकदम वेल प्रिपेयर्ड है, एकदम प्रिपेयर्ड है, बस वो थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हुआ होगा एग्जाम में, थोड़े दिक्कत आई होगी, मतलब माइनर मिस्टेक की वजह से 30-40 हजार स्टूडेंट को जो एकदम फोड़ देना चाहिए था एग्जाम, एकदम 100% प्रिपेयर थे वो उनका भी क्या हुआ है कि किसी वजह से, क्योंकि सीटें कम है तो 10,000 शुरू के अगर आप निकाल दें तो बाकी के तो बचे हुए, और बाकी के वो लोग बचे हुए हैं जो एकदम वेल प्रिपेयर है, बस वो इंतजार कर रहे हैं कि अगले साल एग्जाम कब होगा और हम बिल्कुल फोड़ देंगे एग्जाम को। आईआईटी में ये चीज नहीं, आईआईटी में 2 साल देने के बाद ऊपर वाला क्या हो रहा है, खत्म होते जा रहा है। पर मेडिकल में क्या हो रहा है, जमा फिर जमा हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि कंपटीशन हर दिन बढ़ते जा रहा है। आप मेडिकल में आपने सुना होगा कि जो कट ऑफ 4 साल पहले तक 500 मार्क्स जाता था वो अभी 620 जा रहा है, 620 जा रहा है, तो ये इस वजह से जा रहा है। तो ये वाले पॉइंट को स्टूडेंट को बहुत अच्छे से समझ लेना पड़ेगा कि आप जिसकी तैयारी करने जा रहे हैं उसमें सिलेक्शन तो 0.5 से 0.7% है ही, उसके साथ साथ जो आपके साथ फाइट करने वाले हैं वो ऑलरेडी 70% स्टूडेंट, मतलब 10,000 में 7,000 को वही फोड़ेंगे जो बैठे हुए, जो 1-2 नंबर से उनका छूट गया किसी वजह से। तो ये चीजें एकदम अच्छे से स्ट्राइक करना चाहिए माइंड में
और अगर इतना है तो आपको जो आप एज ए नया स्टूडेंट जो आप बोल रहे हैं 11th 12th में क्या करें, तो 11th 12th में आपको एक एक मिनट लगाना पड़ेगा। अगर आप मेडिकल की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो आप उठते के समय बेड से पानी पीने के पहले आपका एनसीईआरटी खोल के दो लाइन पढ़ लेना पड़ेगा। जब आप रास्ते में चलेंगे तो आप एक शॉर्ट नोट निकाल के ऐसे देख लेंगे, दो फॉर्मूला रख देंगे जेब में। जब आप सोएंगे तो आपके सामने छत पे या फिर साइड दीवार पे एक पीरियोडिक टेबल या फिर कुछ शॉर्ट नोट्स कुछ चिपका हुआ होना चाहिए। जब आप ब्रश कर रहे होंगे तब भी आप चार पेज पढ़ेंगे एनसीईआरटी का। तो एकदम एक्सट्रीम लेवल का आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते हैं कि बहुत सारे लोग होता है मेडिकल करेंगे, अरे आप पहले तो देख लो कितना कंपटीशन है, क्या आप रेडी हो, क्या उतना स्ट्रगल करने के लिए तैयार हो, या फिर ऐसे ही हवा में बात कर रहे हो। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि नए स्टूडेंट जो है उनको एक्सट्रीम लेवल का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और आशीष मेडिकल का ये सिनेरियो है आज के डेट में कि जो लोग पढ़ रहे हैं उनका भी सिलेक्शन कहीं ना कहीं हम रुकते हुए देखे हैं, ऐसे ढेरों स्टूडेंट को देखे हैं। तो जो नहीं पढ़ रहे हैं या फिर हल्के में ले रहे हैं या फिर इधर उधर की बातें कर रहे हैं, वो तो लिख के मैं आज के आज दे दूंगा, सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जान लगाने वाली प्रिपरेशन है, आप आए हैं तो जान लगा दीजिए। लोग बोलते हैं मेडिकल में क्वेश्चन हल्के होते हैं, आप कटअप तो देखो ना, 720 में 620 पे आपका सिलेक्शन स्टार्ट हो रहा है, 610 पे सिलेक्शन स्टार्ट हो रहा है, वहां पे आपको कॉलेज मिलने शुरू होंगे। ऐसा नहीं कि वहां वहां और वो भी डाउटफुल कंडीशन में आप रहेंगे वहां पे। तो आपका सरकारी, एक सेकंड में आप थोड़ा सा रोकेंगे, आपको प्राइवेट सरकारी या फिर 620 के बाद ही कोई भी कॉलेज ले सकते हैं, मतलब विदेश नहीं। ये मैं आशीष गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो जनरल स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। जनरल स्टूडेंट की बात। हाँ, तो आप प्राइवेट से हैं, आप अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है तो आप कहीं भी ले सकते हैं, ये तो आपकी, बट कितने लोगों के पास है, लोगों के पास कोचिंग जाने के पैसे नहीं है, तो ये दिक्कत है। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको एक एक मिनट लगाना पड़ेगा और 2 साल। और सबसे बड़ी बात है ना, ये 100 मीटर का रेस नहीं है। आप ऐसा नहीं कि आज क्या दौड़ गए 1 महीने और निकाल लेंगे, आपको मैराथन की तरह दौड़ना पड़ेगा, आपको पूरे के पूरे 2 साल दौड़ना पड़ेगा। और सिर्फ दौड़ने से काम नहीं चलेगा, आपको सबसे आगे दौड़ना पड़ेगा। आप जो 18 लाख दौड़ रहे हैं उसमें 10,000 के सबसे आगे वाले लाइनअप में आपको होना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन होगा। आप अगर आज एक दिन नहीं पढ़ेंगे ना, आपके बगल वाले नहीं छोड़ रहे हैं पढ़ने के लिए, आपके बगल के बगल वाले नहीं छोड़ रहे। तो वही है कि यहाँ खुद से तो है ही कंपटीशन, दूसरे से भी है। तो कंपटीशन बहुत टफ है, लेकिन अच्छी बात यह है मेडिकल के सिलेबस में कि मेडिकल का जो सिलेबस है वो करने लायक है। करने लायक मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सिलेबस जो होता है ऑप्टिमम होता है। अगर एवरेज बच्चा भी चाहे तो पूरा का पूरा कर सकता है क्वेश्चन। आईआईटी में ऐसा नहीं, आईआईटी में इंटेलिजेंट होना जरूरी है, शार्प होना जरूरी है, बट मेडिकल में एक एवरेज स्टूडेंट भी फाइट कर सकता है, बस मेहनत आप करने के लिए तैयार रहे। तो ये चीजें 11th 12th का एनसीईआरटी बुक कितना मायने रखता है? बहुत ज्यादा एक्सट्रीम। मतलब मैं तो ये कहूंगा ना कि अगर आपने पहले तो 3 सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की बात करूं, तो फिजिक्स में एज सच बहुत ज्यादा एनसीईआरटी आप अगर नहीं भी करते हैं, वैसे तो कुछ सिलेक्टेड पोर्शन करने हैं, कुछ सिलेक्टेड चीजें करने हैं जो आपको टीचर बताएंगे, बट अगर फिजिक्स का नहीं भी करते हैं तो बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब से एम्स मर्ज हो गया है, एम्स का पहले अलग होता था, जब से एम्स को नीट में मिला दिया गया, तब से केमिस्ट्री और बायो का ऑलमोस्ट, मतलब बायो का तो 100%, बायो में जो जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं 50% जो क्वेश्चन आ रहे हैं टोटल 200 क्वेश्चन के अराउंड है। पहले 180 आता था, आजकल थोड़े बहुत बढ़ाए हैं, क्वेश्चन ऑप्शन बढ़ा दिए कि इतने क्वेश्चन में इतने ही करने। तो आप मान के चलो कि अगर पहले 190 ही बात करते हैं, 180 की बात करते हैं, तो 90 क्वेश्चन अगर मैं मान लूँ कि अगर आ रहा है, तो ये 90 क्वेश्चन जो है ये एनसीईआरटी से ही आएंगे, बायो के सारे एनसीईआरटी से आएंगे। हाँ, वो अलग बात है कि एनसीईआरटी के थोड़े बहुत घुमा के पूछ लेंगे, थोड़े बहुत कॉन्सेप्चुअल पूछ लेंगे, बट आएंगे एनसीईआरटी से ही। तो एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, मतलब मैं ये कह दूं ना कि अगर जो एनसीईआरटी नहीं पढ़ेगा वो मेडिकल कॉलेज नहीं जाएगा, सीधी बात। तो बायो का एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है। लास्ट के 3 साल से जब मैं केमिस्ट्री का पेपर देख रहा हूँ तो, या फिर टीचर्स से जो बातें हो रही है, तो उनका कहना है कि केमिस्ट्री का भी पेपर लास्ट 3 साल से एनसीईआरटी से ही आ रहा है। तो आप कुछ करो या ना करो, आपको केमिस्ट्री में खास करके ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और बायोलॉजी, मतलब इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक और बायोलॉजी, ये 3 चीजें आपको करना ही पड़ेगा हर हाल में एनसीईआरटी से। बायोलॉजी तो आप छोड़ नहीं सकते, मतलब पेज नंबर छोड़ के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बोल रहे थे कि इसमें जो सवाल कितना डिवीजन होता है, फिजिक्स से कितना नंबर, बायोलॉजी से कितना नंबर और केमिस्ट्री से कितना नंबर आता है? टोटल जो होते हैं 720 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, उनमें से 50% जो होते हैं वो बायो होता है।
जिसमें बोटनी और जुलॉजी दोनों आते हैं, इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ का, इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ का दोनों मतलब थ्री लगभग फिफ्टी सिक्सटी के फिफ्टी परसेंट ही आसपास। वेटेज रहता है। हाँ, तो 50% बायो होता है, मतलब 360 मार्क्स का बायोलॉजी होगा, बाकी 360 में दो पार्ट कर दो तो 360 का हाफ जो हो गया वो केमिस्ट्री और वन हाफ फिजिक्स। एट्टी फिजिक्स, हाँ वन ये एट्टी चीज। चलो जाता है। हाँ हाँ, आप जो कह रहे थे कि किसी भी कॉलेज में जाने के लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए, पासिंग पास नीट को क्वालिफाई करना होना चाहिए, हम अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जो यूक्रेन और रूस को प्रीफर करना चाहेंगे, उनके लिए उनको नीट में कितना मार्क्स लाना जरूरी है? उनके लिए बहुत ज्यादा नहीं, बस आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है। आई थिंक एग्जैक्ट तो हम नहीं बता सकते, बट 50-60% मार्क्स अगर आप ले आते हैं, मतलब तो बहुत नॉमिनल मार्क्स है, बिल्कुल बेसिक कट ऑफ है वो, अगर आप कर लेते हैं, एक एक इन जनरल बायो पढ़ने वाला भी कट ऑफ क्रॉस कर जाएगा, तो बहुत ईजी है। उनके लिए बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपके पास पैसे हैं तो आप थोड़ा सा बहुत, थोड़े बहुत ऐसे ही पढ़ लें, मार्क्स आ जाएंगे उतने और फिर बाहर आप जा सकते हैं, और तो भारत वो में मैटर वो नहीं। कर सकते हैं करोड़ों देके। हाँ, अगर पैसे हैं तो आप जितने पैसे हैं आप दे दो, वो तो आप पे डिपेंड करता है। सरकारी कॉलेज में जाने के लिए फीस आप बता रहे थे कि 50,000 के आसपास लगता है, हाँ, उसमें मैक्सिमम रहना सब खाना सब कुछ, शामिल है? मेस का चार्ज आपको अलग लगेगा, बाकी जो मैं एकेडमिक फी की बात कर रहा हूँ तो वो 50,000 मैक्सिमम है, मैक्सिमम 50,000, कुछ कॉलेजेस के तो और भी कम है, तो बहुत कम है, बहुत कम है। तो मुझे लगता है कि हम लगभग सवाल कर भी लिए हैं, लेकिन अगर कुछ सवाल आपको लगता है जो हमसे छूट गया इस सीन में, तो आप जरूर उस पर प्रकाश डालें और बताएं कि आपको। सबसे पहली बात तो नीट देने के लिए जो एज होना चाहिए वो आप 17 वर्ष के हो चुके हैं, तो 17 से लेके अपर लिमिट जितना भी आपका है आप एग्जाम दे सकते हैं, बहुत बार दे सकते हैं। दूसरा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में जो 12th का मार्क्स होना चाहिए वो 50% से ज्यादा होना चाहिए, तो एग्रीगेट मार्क्स अगर 50% से ज्यादा है तो आप एप्लीकेबल हैं। और फिर उसके बाद बुक पे बात हो गई, कट ऑफ पे। हाँ, कट ऑफ पे एक हमने अभी हमने रैंक वैंक तो देख लिया, हमने एग्जैक्ट मार्क्स नहीं देखा, मार्क्स जो आज के डेट में चाहिए तो अगर देखा जाए तो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए और ईबीसी के लिए, मतलब 600+ ही चाहिए, जो कि बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट भी है, और इसलिए मैं डिफिकल्ट बोल रहा हूँ क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो अगर आपको सिलेक्शन स्टार्ट, मतलब सिलेक्शन स्टार्टिंग जो मार्क्स है वो 620 के आसपास आप मान लें इस बार जो जाएगा, और थोड़े बहुत आगे पीछे भी हो सकते हैं, बट आप इतना मान के चलो कि 600 से तो प्लस ही रहेगा, 600 से प्लस रहेगा। और SC ST के लिए थोड़े कम मार्क्स जाएंगे तो 550 के अराउंड जा रहा होगा, वही अराउंड 500+ ही जा रहा होगा, तो यही कट ऑफ है। इसके बाद ही आपको कॉलेज मिलना शुरू होगा, ठीक है, कॉलेज मिलना शुरू होगा, वहां से शुरू होगा, अगर थोड़े भी कम आए तो आप बाहर आ जाएंगे। कॉलेज नहीं मिलेगा फिर। हाँ, बाकी बायोलॉजी में क्या क्या स्कोप है ये शायद आपसे छूट गया है कि क्या क्या हाँ बायोलॉजी में और भी चीजें हैं, हाँ तो और भी क्या वो देख चीजें लेते। हैं? हाँ, तो वो चीजें हम देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या चीजें हैं। देखिए, बायो का सेक्शन को हम दो पार्ट में देखते हैं, सबसे पहले मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक जो हो गया मेडिकल से रिलेटेड, तो मेडिकल पार्ट हम देख रहे हैं, मतलब मेडिकल से रिलेटेड स्ट्रीम स्कोप, और एक नॉन मेडिकल स्ट्रीम, मतलब बायोलॉजी वाले हैं लेकिन मेडिकल के अलावा क्या क्या चीजें, तो मतलब मेडिकल, ये कह ले कि जिनका नीट नहीं निकला उनके लिए, हाँ क्या कर वो सकते हैं। पैसा नहीं तो रखते हैं कि वो विदेश जा सके। हाँ, दो चीजें, नीट चूंकि बहुत टफ है तो हम ये भी नहीं कहेंगे कि आपको नीट पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहना है, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन होता है, कुछ इकोनॉमिकली सपोर्ट होता है, तो आपको हर चीज देखना पड़ता है और फैमिली को भी देख के चलना ही पड़ेगा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से जो भी स्टूडेंट है तो सबसे पहले तो आप नीट का प्रिपरेशन करेंगे ही करेंगे। आपको एक चीज और आशीष, यहाँ पे अगर आपको किसी भी चीज में जाना है फिर भी आपको नीट का एग्जाम देना है, क्योंकि ज्यादातर चीजें का एडमिशन नीट के थ्रू होता है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हमें MBBS में जाना है तो हम नीट का एग्जाम, मतलब MBBS में नहीं जाना है तो नीट का एग्जाम नहीं देंगे। आपको जाना हो या नहीं जाना हो आप नीट का एग्जाम देंगे, क्योंकि ज्यादातर चीजों का सिलेक्शन उसी से होगा, उससे नर्सिंग का भी एडमिशन हो रहा है, उससे जितने भी चीजें, तो सबसे पहले बात करें तो नीट तो आपको देना मस्ट है, बाकी जो चीजें होती है वो नर्सिंग वगैरह का वो चीजें आप दे सकते हैं। तो PCV वालों के लिए सबसे पहले प्रायोरिटी पे हम रखते हैं MBBS सीट के, तो MBBS आपका, MBBS से जैसे ही आपका रैंक थोड़ा सा छूटेगा, मतलब MBBS कॉलेज आपसे छूटेगा कुछ मार्क्स से, तो आपको मिलेगा BDS, BDS का मतलब डेंटल, आप डेंटल आप समझ सकते हैं, तो ये जो डेंटल है वो मिलेगा। उसके बाद एक जो MBBS के अलावा जो डॉक्टर होते हैं, डेंटल के अलावा जो डॉक्टर होते हैं उनको बोला जाता है आयुष, आयुष का मतलब हो गया आयुर्वेद, ठीक है, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथ, होम्योपैथ, तो ये जो भी ग्रुप है मतलब आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये सारे को मिला के आयुष बोला जाता है, ऐसे डॉक्टर को आयुष वाले डॉक्टर बोला जाता है, तो ये वाले भी एक ऑप्शन है जो किया जा सकता है। फिर
फिर इसके बाद वेटनरी का आपको आता है, वेटनरी जो जानवर के डॉक्टर होते हैं वो भी अच्छा है, आप डॉक्टर हैं आप जानवर के डॉक्टर रहेंगे तो वो एक कर सकते हैं। फिर इसके बाद बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग के बारे में थोड़ा सा हम आगे चल के डिटेल में बात करेंगे, फिलहाल एक बीएससी नर्सिंग आप दिमाग में रखें। इसके बाद बी फार्मा, बी फार्मा जो फार्मेसी वगैरह फार्मा इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं उसके लिए बी फार्मा आपको करना जरूरी है। और इसके अलावे अगर मेडिकल कॉलेज में अगर आप लैब टेक्नीशियन होना चाहते हैं या फिर कोई मेडिकल से रिलेटेड जहां पर लैब टेक्नीशियन के काम करना चाहते हैं तो वहां पे होता है बीएमएटी का एक कोर्स होता है, लैब टेक्नीशियन बोलते हैं, ठीक है, मेडिकल लैब टेक्नीशियन बोलते हैं, बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, तो बीएमएलटी कर सकते हैं, बहुत छोटा सा कोर्स होता है 3 साल का, उसके बाद आप लैब वगैरह में लैब असिस्टेंट और जितने भी आप देखते हैं कि जैसे हाँ हाँ तो वहां पे आप उसमें कर सकते हैं, गवर्नमेंट का जॉब भी अच्छा खासा रहता है इसमें। और एक आप और आपने सुना होगा फिजियोथेरेपी, तो फिजियोथेरेपी भी आपको डॉक्टर ही बोलते हैं उसे, बीपीटी बोलते हैं उसको, बैचलर इन बैचलर साइंस इन फिजियो, बैचलर डिग्री होता है फिजियोथेरेपी का, उसमें आपको मिलता है। तो ये कुछ हो गए जो मेडिकल से रिलेटेड चीजें हो गई, ठीक है, नीट का जरूरत नहीं है, नीट क्वालिफाई करना जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन हो सकता है कि नीट के रैंक से ही आपको एडमिशन मिले, तो नीट का एग्जाम देना है, एग्जाम तो देना ही देना है, क्योंकि हम नहीं जान रहे हैं कि कौन सा कॉलेज का क्या क्राइटेरिया है। हाँ, क्योंकि आजकल नीट होने की वजह से लोग एग्जाम नहीं लेना चाहते, आपको सिंगल कॉलेज है वो क्यों एग्जाम लेगा, कि कहाँ कहाँ एग्जाम लेगा, तो वो नीट का रैंक से ले लेता है सारी चीजें। हाँ, तो वो चीजें तो ये आपका हो गया मेडिकल से रिलेटेड। अब नॉन मेडिकल में क्या क्या चीज आती है जो मेडिकल से बिल्कुल हटके और बायोलॉजी से रिलेटेड, मेडिकल में ही हम पूछना चाहेंगे, पॉलिटेक्निक एक पैरा मेडिकल का एग्जाम ले रहा है। हाँ, तो पैरा मेडिकल में वही आ गए, पैरा मेडिकल में ढेर सारी चीजें आ गई, पैरा मेडिकल में आपका बहुत सारा जैसे लैब टेक्नीशियन आ गया, मतलब पैरा मेडिकल मतलब मेडिकल के पैरेलल जो भी चीज है, तो जो भी डिप्लोमा है जो भी चीज है वो सारा चीज आ गया। इसके बाद नॉन मेडिकल में देखें, मतलब मेडिकल से रिलेटेड दूसरे साइड देखें बायोलॉजी में, तो आपको एग्रीकल्चर एक बहुत अच्छा दिखता है स्कोप, जिसके लिए एक एग्जाम अलग से होता है, आईसीएआर का होता है, इंडियन लेवल पे आईसीएआर का एग्जाम अलग होता है, तो वो आप ले सकते हैं, बाकी नीट के थ्रू भी होता है और वो चीजें, और नीट के थ्रू भी कुछ जगह पे होती है, सारे जगह पे नहीं होती। फिर बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में आप बीएससी कर सकते हैं ग्रेजुएशन। फिर उसके बाद नॉर्मल अगर कोई प्रोफेसर बनना चाहता है, हर कोई मेडिकल और हर कोई एग्रीकल्चर में तो नहीं जाएगा, कुछ को मान लिया मतलब है कि हम साइंस कॉलेज का प्रोफेसर बने, डीयू का प्रोफेसर बने, तो आप बीएससी बॉटनी जूलॉजी या फिर केमिस्ट्री जो भी चीज है आप वो करिए। उसके बाद आप एमएससी करिए, और एमएससी करने के बाद कुछ में पीएचडी होता है, तो पीएचडी अगर करना चाहते तो करिए, नहीं तो फिर वो शायद नेट का एग्जाम होता है ना, शायद टीचिंग के लिए क्या होता है, उसके बाद न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन वगैरह का भी कुछ आजकल आने लगे हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। और फोरेंसिक साइंस के अखबार आपने सुना होगा कि फोरेंसिक का एक डिपार्टमेंट होता है, तो फोरेंसिक हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, माइक्रोबायोलॉजी वगैरह जैसे ये ब्रांच है, यहाँ पे भी हो सकता है। अब दो चीजें हम यहाँ पे एक चीज और फाइनली हम आशीष बताना चाहेंगे तुमको कि दो चीजें हैं, आपको दो चीजें चाहिए। एक होता है कि जैसे मेरा एक फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है या फैमिली बैकग्राउंड सपोर्ट चाहिए फैमिली को, तो दो चीजें होता है भाई कि पढ़ाई करना और पढ़ाई के साथ तुरंत जॉब लेना है। तो प्रायोरिटी वाइज सबसे पहले तो आपको एमबीबीएस रखना है, अगर नहीं मिले तो आपके पास ऑप्शन बचते हैं आयुष का, बीडीएस का और बीएससी नर्सिंग का, वेटनरी वगैरह जो भी चीजें। तो अगर आपको जॉब बहुत जल्दी में चाहिए और बहुत अच्छा सैलरी पे चाहिए, तो आप बीएससी नर्सिंग के लिए जा सकते हैं। आज के डेट में बीएससी नर्सिंग वन ऑफ द बेस्ट है, इवन हम तो कहेंगे कि एमबीबीएस के बाद अगर कोई अच्छा इनकम आपको दे रहा है, अच्छा जॉब सिक्योरिटी दे रहा है, तो वो बीएससी नर्सिंग दे रहा है। क्या होता है ये, इसको थोड़ा सा बता दीजिए। नर्सिंग जो आप नर्सेस जो बोलते हैं ना, नर्सिंग, तो बीएससी नर्सिंग का भी ग्रेजुएशन कोर्स होता है बीएससी नर्सिंग। इसमें क्या होता है कि अगर आप बीएससी नर्सिंग 3 साल 4 साल का आप कर लेते हैं, तो इसके बाद हर जगह वैकेंसी निकलते हैं, और बीएससी नर्सिंग वालों का सैलरी 75,000 से स्टार्ट हुआ है अभी जो 2 साल पहले वैकेंसी निकला है, और डॉक्टर की सैलरी पता है कितना है, 65,000। समझ रहे हैं, तो है वो है तो है, अब उसका क्या कर सकते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि नर्सिंग, मतलब हमारे ही एक नवोदय की दीदी थी जो हमारे टाइम में प्रिपरेशन कर रही थी, और बाद में फिर वो एम्स से नर्सिंग कर ली, और एम्स जस्ट उसका उनका लास्ट ईयर कंप्लीट हुआ और एम्स में ही उनको जॉब लग गया। अभी सैलरी उनका आई थिंक हमें लगता है कि 85,000 के अराउंड होगा। आप सोचो 85,000 किसको मिल रहा है आज के डेट में। और एक चीज और आशीष हम बोलेंगे, लोग नर्सिंग को बड़ा इन्फीरियर तरीके से देखते हैं, वो ऐसे बोलेंगे अरे वो नर्सिंग करेगा क्या, अरे नर्सिंग नहीं, नर्सिंग क्या, मतलब बहुत एक नीचे नजर से देखते हैं नर्सिंग को।
वो क्योंकि वो उस नर्सिंग को जानते हैं जो अभी से 10 साल पहले गांव में बैग लेके घूमते थे और वो देते थे मेडिसिन वगैरह की भाई। तो लोगों को लगता है कि आज भी वही काम करना पड़ता है, गांव गांव घूमना पड़ता है, लोगों को से मिलना पड़ता है। नहीं, और लोगों को ये लगता है कि नर्सिंग का मतलब होता है पेशेंट का साफ सफाई करना, पेशेंट का बेडशीट चेंज करना, पेशेंट पेशेंट के आसपास जो भी साफ सफाई है वो करना। नहीं, वो काम नहीं है उनका। बस फर्क इतना है कि हम दवा को प्रिस्क्राइब करेंगे और वो मेडिसिन को चढ़ाएंगे पेशेंट को, बाकी कुछ नहीं करना। आप एकदम बड़े अच्छे से चेयर पे बैठे रहिए, एकदम डिसेंट जॉब है, एकदम रिस्पेक्टफुल जॉब है वो भी, ठीक है। हाँ, कुछ लोगों को फिर भी लगता है नहीं नर्सिंग तो नहीं करेंगे, तो मत करो, कुछ और कर लो। लेकिन जिन किसी का भी लगता है कि भाई, जैसे होता क्या कि बायो ले लिए, मेडिकल में नहीं हो रहा, तो फिर जनरल कंपटीशन की ओर घुस जाते हैं, तो कुछ और करने लग जाते हैं। तो मैं उनको स्ट्रिक्टली बोलूंगा कि आप ऐसा ना करें, आप सीधे सीधे बीएससी नर्सिंग में एडमिशन आप कराइए। और बीएससी नर्सिंग का आप क्रेज देख रहे होंगे, जो कुछ नहीं कर रहा आजकल वो बीएससी नर्सिंग कर रहा है, देख रहे हैं। तो ये चीज है, तो बीएससी नर्सिंग आपको जॉब बहुत अच्छे से देगा, जॉब सिक्योरिटी बहुत तगड़ा है उसका। तो बीएससी नर्सिंग मेडिकल के बाद एमबीबीएस के बाद अगर जल्दी पैसा चाहिए और बहुत अच्छा जॉब चाहिए, श्योर जॉब चाहिए, तो आपको बीएससी नर्सिंग ऑप्ट करना चाहिए। और एमबीबीएस करने के बाद मेडिकल में क्या वो है कि सरकारी और प्राइवेट का जो खेल आता है कि सरकारी डॉक्टर बनना लगभग तय हो जाता है या तो फिर उसका कोई एग्जाम होता है? देखिए, डॉक्टरों की अभी भी बहुत कमी है, तो आप अगर कर लेते हैं, वैकेंसी आएगा, तो आप निश्चिंत रहें, आपका गवर्नमेंट में वो ही जाएगा। और अगर आप करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। बाकी वही है कि आप जितना पढ़ना चाहें पढ़ें, जहां रुकना चाहे रुक जाएं, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर कोई ये बोलता है कि नहीं, मेडिकल में बहुत लंबा पढ़ना पड़ता है, बूढ़ा हो जाता है, अगर हम बूढ़े होने तक भी अगर पढ़ाई करें और पढ़ाई करने का हमको पैसा दे, तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? तो वो चीजें आप दिमाग से निकाल देना चाहिए लोगों को कि ये चीजें हैं और वो चीजें। हाँ, एक चीज और आशीष, मतलब हम बोलना चाह रहे थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं उनको, उनके लिए मेडिकल में 3% का कोटा है, 3% का कोटा है, मतलब हर मेडिकल कॉलेज में 3 सीट आपका रिजर्व है, और उनका जो कट ऑफ जाता है बहुत कम जाता है। और तो उनके लिए एक स्पेशल मैसेज रहेगा हमारे तरफ से, ओएसबी के तरफ से, कि भाई आप अगर फिजिकली डिजेबल्ड हैं, बुरी बात नहीं है, भगवान ना करे कोई हो, अगर है आप, तो उसमें आपके पास मेडिकल वाला फील्ड आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये वो फील्ड है जिसमें आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा। आप एक जगह पे बैठ के आप पेन चला सकते हैं, आपको भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। आप आईआईटी में जाएंगे, कलों के कंपनी आपको नहीं लेगी, आप भले आईआईटी में कितना भी बड़ा कंपनी में चले जाए, तो मेडिकल फील्ड उनके लिए बहुत अच्छा है और बिल्कुल श्योर शॉट सिलेक्शन है। मतलब जो ऐसे हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड में हम एक चीज और पूछा है, कुछ लोग का होता है थोड़ा सा, हमको टेक्निकली टर्म नहीं पता मेडिकल में क्या बोलते हैं उनको, थोड़ा सा वो मतलब देखते इस तरफ है, दिखता इस तरफ, स्क्यूंट 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 आई बोलते हैं, स्क्यूंट बोलते हैं, क्या उनको भी ये ऑफर मिलेगा? वो उसके लिए क्या होता है कि आपको डायरेक्ट आप खुद डिसाइड नहीं कर सकते, उसके लिए मेडिकल कैंप लगते हैं जहाँ पे आपकी डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बनाया जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आपको कितना परसेंटेज है, कितना परसेंटेज मिलेगा, वो जितना ज्यादा आपका डिसेबिलिटी रहेगा उतना ज्यादा आपको बेनिफिट रहेगा। नहीं नहीं, आप बोले तो, 3 सीट रिजर्व होता है जो, तो कितना परसेंट डिसेबल्ड पर्सन को वो सीट मिलेगा? 3% सीट है पे डिसेबल्ड को ही मिलेगा, ये मैं बोल रहा हूँ। थोड़ा बहुत भी डिस्टेबल्ड हो या होता है ना कि डिस्टेबल्ड 10% डिसेबल्ड है, 20% है, 100% वो एग्जैक्ट वो कितना सर्टिफिकेट है और क्या क्राइटेरिया, एग्जैक्ट देखना पड़ेगा। बट इन जनरल हम डिसेबल्ड की बात करते हैं तो अच्छा खासा ही बात करते हैं कि भाई जिनको चलने में दिक्कत है, हाँ, और जिनको कुछ किसी पैर में दिक्कत है, किसी का पैर कट गया, हाथ में कट गया है, या फिर जो कंजेनाइटल बाय बर्थ जिनका डिफेक्ट है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो उनके लिए मैं स्पेशली बोलूंगा कि क्योंकि आप किसी भी फील्ड में जाएंगे आपके लिए वैसा काम नहीं है, आप पेन चला के काम नहीं कर सकते। अब मेडिकल एक ऐसा प्रोफेशन है, आप आराम से आइए, 10th 12th करिए, आप स्कूलिंग करते हुए मेडिकल क्वालिफाई कर सकते, इतना ईजी है, तो बहुत ईजी है। कम रैंक, बहुत कम कट ऑफ, बहुत इवन 350-300 रैंक, 350 रैंक, तो 350 नंबर पे मिल जाता है, मतलब अच्छा, सिर्फ बायो भी अगर, अरे बिल्कुल एकदम सारे कॉलेज में 3% है, सीटें खाली रह जा रही है, आपको बस कट ऑफ क्वालिफाई करना है। उसके बाद पीजी पे भी बहुत डिस्काउंट है, तो वो बहुत अच्छा है। तो ऐसा कोई हो तो आप जरूर पर्सनली उसको इंस्पायर करें, क्योंकि ये उनके लाइफ स्टाइल से मैच करता है। आप कोई भी जॉब करेंगे मैच नहीं करेगा, लेकिन ये आपके लाइफ स्टाइल से मैच करेगा। आप एमबीबीएस करके कहीं पे भी सरकारी डॉक्टर हैं, आप आराम से चेयर पे बैठे रहे और 6 घंटे बैठे और चले गए, तो वो एक बहुत ये था। आई थिंक सारी चीजों पे डिस्कशन हो गया है, कुछ और बाकी है तो पूछ सकते हैं। नहीं, हम अब बस अब अंत करेंगे, और ये आज मेरा हासिल हुआ जो कहते हैं कि एक पूरे शिक्षा के पूरे डिस्कशन के बाद जो एक सबसे बड़ी चीज मिली वो ये कि एक डिसेबल्ड पर्सन के लिए जो कुछ कर नहीं सकते, दिव्यांग कहा जाता है,
दरअसल हम जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, ये बात आप भी बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे भैया, कि हमारे यहाँ बहुत ऐसे चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होता है लोगों को, और वो नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। हाँ और वो नहीं जा पाते हैं। और जो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, जिनका कि बहुत अच्छा उनके रिलेशन में लोग बहुत बड़े बड़े जगह पर होते हैं, उन्हें सारे चीज का खबर होता है, तो वो लोग बहुत अच्छा कर जाते हैं। पढ़ाई लिखाई में थोड़ा कमजोर भी होते हैं, तो पता चलता है 5 साल बाद वो लाखों में कमा रहे हैं। और जो पढ़ने में तेज होता है बच्चा, उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होने के कारण वो रास्ता भटक जाता है। हमारा उद्देश्य यही है कि कम से कम उन लोगों तक ये बात पहुंचे और उन लोगों को इससे बेनिफिट मिले और फिर वो लोग आगे बढ़ सके। और ये डिसेबल्ड बच्चों के लिए जो आपने अंतिम में बताया, ये बहुत ज्यादा दिल को छुआ। और आशीष, सबसे बड़ी बात है, डिसेबल्ड लोगों को आप माने या ना माने, कहीं ना कहीं फैमिली से भी नेग्लेक्टेड फील करते हैं वो लोग। तो अगर वो बहुत तगड़ा काम करते हैं, कहो कि वो डॉक्टर बनते हैं, तो फिर किसी पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है आपको। नहीं आप एकदम शानदार तरीके से जी सकते हैं अपने लाइफ को और पूरे डिजनिटी के साथ जी सकते हैं। तो वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चीजें, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। और अगर कोई सवाल होगा तो हम फिर परेशान करेंगे, आपको बुलाएंगे। बिल्कुल, और जिन्हें भी कोई डाउट है, OSB के चैनल पे, इनके चैनल पे, आप हाँ कमेंट में आप कमेंट करें, मैं हाँ उनका रिप्लाई कमेंट, दूंगा। और ज्यादा हो सके तो आप अपना नंबर छोड़ दें, हम हमारे तरफ से आपको कॉल कर लिया जाएगा हाँ किसी कॉल भी कर तरह लिया। से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। थैंक यू भैया, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू आशीष।